हेलो, आवाज आ रही? लास्ट आ रही आवाज? गुड इवनिंग एवरीवन, और जोर से। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जैसे मैं अंदर आई और ताली बजा के इतना अच्छा उत्साह वर्धन किया, उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद मैं देना चाहूंगी ईश्वर को, अपने माता पिता को, अपने गुरुजन को। इतनी अच्छी मुझे सफलता मिली और ये सफलता किसी एक दिन का परिणाम नहीं है। ध्यान रखिएगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। सही। तो बैठ के बताऊं कि खड़े होके? ठीक है, खड़े होके क्या लग रहा है कि मेरे को इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा हो रहा है, लास्ट भी और उधर भी ऐसा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे अपनी जो जर्नी थी, मेरा जो सफर था पिछले 2 साल से, तो उस समय क्या क्या पड़ाव हुए, क्या क्या मुझे दिक्कतें आई, उसको मैंने कैसे ओवरकम किया, क्या प्रैक्टिस किया, किस चीज को कैसे तैयारी की, किस सब्जेक्ट्स में किस तरीके से मैंने पढ़ाई की, उसको थोड़ा सा डिस्कशन करूंगी आप लोगों के साथ, शेयर करूंगी। क्योंकि बहुत सौभाग्य की बात होती है कि आपके अंदर इतनी सारी चीजें बताने के लिए होती है और आपको ऐसा मंच मिलता है कि आपको इतने लोग सुन रहे हैं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य है आप लोगों से बातें करना, अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है उसे आप लोगों के साथ शेयर करना। देखिए, सबसे पहले मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, बी किया, उसके बाद एमटेक किया, उसके बाद फिर एमटेक करने के बाद मुझे था कि मैं आगे साइंटिस्ट बनूं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं। मैंने पीएचडी के लिए ट्राई किया, पीएचडी में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन एक लिमिटेशन ये थी कि राज्य के बाहर जाना नहीं है, और राज्य के बाहर ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। फिर मैंने सोचा कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करूंगी, तो फिर मैंने 4 जनवरी 2015, मुझे डेट पता है, उस डेट को डिसाइड किया कि मुझे अब पीएससी करना है। पीएससी किस चीज के लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। फिर मैं यहां पर आई क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शन थे, कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान थे जिसके सामने मुझे जाना चाहिए, कहां जाना है, कैसे तैयारी करनी, इस तरीके की थी। मेरा जो बैकग्राउंड था वो टेक्निकल बैकग्राउंड था, अब उस तकनीकी ज्ञान से स्विच करना कि आपको जनरल स्टडी पढ़नी है, छत्तीसगढ़ पढ़ना है, ये सब चीजें जब आप स्विच किए तो वो बहुत दिक्कत होती है याद करने में या किसी भी चीज में। तो फिर मैं एडमिशन लिया मैंने, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट की। शुरुआत 1 महीना बहुत रोई हूँ, रोई हूँ कहने का मतलब आंसू निकालने वाला रोना नहीं, तकलीफ वाला, मतलब बहुत तकलीफ होती थी कि यार याद ही नहीं होता है। और उस समय पटेल सर ने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया था, उस समय सबसे पहली जो हमारी क्लास है वो दीक्षित सर ने लिया था, और दीक्षित सर, मैं इवन आज भी बता रही हूँ कि सिलेबस था, सिलेबस देख के ही मतलब बहुत अच्छे से समझाया सर ने, तो लगा कि कुछ कुछ तो चीजें क्लियर है, हो जाएगा। चलिए, उस समय से मुझे एक पॉजिटिविटी मिली कि मेरे अंदर जो पॉजिटिविटी सबसे पहले लाई दीक्षित सर ने कि ये सिलेबस है बेटा, आप लोग उससे सबसे हो जाएगा, ये चीज उनका जो सेंटेंस था वो मेरे लिए बहुत प्रेरणा का काम किया। फिर मैं पढ़ना स्टार्ट की। आज भी जब कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी टॉपिक पढ़ के मुझे दीक्षित सर ऐसे साक्षात दिखते हैं, और वो पूरा उनके स्टाइल के साथ है ना, ऐसा वाला जो स्टाइल है, तो पूरे हर चीज के साथ वो दिखते हैं। तो चीजें बेसिकली ये है कि मुझे सब चीजें जो भी पढ़ाई कर रही हूँ या जो भी कर रही हूँ, तो वो चीजें याद आती है जो मैंने पिछले टाइम पे अपने तैयारी के समय किया था वो। उसके बाद तिवारी सर आए, तिवारी सर से हिंदी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, उनकी जो धारा प्रवाह भाषा है कि कहीं पर भी कुछ भी रुकना नहीं है, बस उनको सुनना बहुत अच्छा लगता था, ऐसा लगता था मुझे कि मैं कथा सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लगता था उनको सुनना। तो उस समय तक थोड़ा सा ये चलता था कि अभी पटेल सर आएंगे, पटेल सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पटेल सर ऐसा करेंगे, पटेल सर वैसा करेंगे, हम लोग सबके पास ऐसा कहा था कि आप लोग कभी पढ़े नहीं हो पटेल सर से, ऐसा वैसा करेंगे। अब उसके बाद फिर आई पारी जो मेन सर की थी, अब आए सर, आए अब हम लोग को पढ़ाए हैं, उसके बाद फिर पता है कि ना मोबाइल आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, जो पढ़ा रहा हूं मैं उसको तुमको ध्यान में रखना है। एक बार बोलते थे, दो बार बोलते थे, तीसरी बार भी पूछते थे, किसी को भी रेंडमली किसी को भी खड़ा करके पूछेंगे, 2-3 बार और पूछते थे किसी और से, ताकि वो चीजें बार बार सुन के आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको पूरा मैप क्लियर हो जाए छत्तीसगढ़ का। मेरा छत्तीसगढ़ स्ट्रांग है,
उसका जो बेस है वो पटेल सर के कारण है, क्योंकि उस समय हमको लगता था कि यार क्या इतना ज्यादा टफ है, इतना बोलते जा रहे हैं, हम लोग कुछ सुन ही नहीं पाते थे। हम लोग क्या कहते थे कि कहीं चुपके से रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं और बाद में सुन के नोट्स वगैरह बना लेंगे, तो उससे भी करने से कोई मतलब नहीं, आप एकदम ध्यान से सुनिए। कोई नहीं बोलता कि 100% आपने रिसीव किया, लेकिन आप 50% 40% भी ले लिए, बाद में जाके बुक को आप रिवाइज करोगे तो वो चीजें आपको याद आएगी। तो ये एक बेस था, उन्होंने मैप के थ्रू हर एक चीज बताई, सब चीज हुआ। उसके बाद अभी मेरा तब तक का एम यही था कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में कोई भी एग्जाम दीजिए आपको 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के वहां पर देना ही है। जब आप छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे तभी बाकी सब्जेक्ट्स के कंपेयर में या बाकी जो प्रतिभागी उनके कंपेयर में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अब वैसे हुआ, उसके बाद फिर एक ये हुई कि जो बी और एमई का मेरा जो डिग्री था वो सेम नहीं था। बी मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में था और जो एमए था वो मेरा इलेक्ट्रिकल में था, तो इस वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर ने मुझे बैठने के लिए नहीं दिया गया। तो उस समय मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई, क्योंकि दोनों ही उसमें मैं यूनिवर्सिटी टॉपर थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये लगा कि मैंने इतनी मेहनत की, इतनी अच्छे से डिग्री प्राप्त की, इतना अच्छे से मैंने मेडल प्राप्त किया, सब चीज किया, इतना ज्ञान था मेरे पास, उस चीज का थोड़ा सा वहां पर नहीं हो पा रहा है, मुझे थोड़ा सा उपेक्षा हुई, ऐसे उपेक्षित महसूस किया मैंने। पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो उपेक्षा है वो अपेक्षाओं पे खरा उतरने का आधार है। तो वहीं से अब मेरे पास विकल्प था वो अंतिम सामने में क्या था, और प्री का एग्जाम मैंने दिया कि चलिए एक बार बैठ जाते हैं। बहुत गंदा गया था मेरा प्री, एक तरीके से ऐसा था उस लेवल के हिसाब से, लेकिन उस समय पेपर भी बहुत टफ आया था। मैं 2014 की बात बता रही हूँ आप लोगों को, जो 2014 पीएससी हुई थी उसकी, तो उस समय पेपर मेरा बहुत वीक था। मैं आई पटेल सर को, मैंने बताया कि सर ये नंबर्स हैं, ये इतना इतना ही बना पाई हूँ, तो पटेल सर बोले कि तू बिल्कुल सोच मत, सीधा सीधा जा और मेंस की तैयारी कर, बस तेरा प्री निकल ही निकल रहा है। और मेरा अंदर में कुछ नहीं था कि भाई मेरा प्री तो निकलेगा ही नहीं, फिर भी चलो अब तैयारी कर रहे हैं तो हम मेंस की भी तैयारी कर लेते हैं, ये मैंने सोचा, चलिए ठीक है। फिर मेंस चालू किया, इसी बीच ये डिग्री वाला इशू आ गया, डिप्रेशन में चली गई कि थोड़ा सा अब नहीं हो पा रहा है, पता नहीं अब असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा नहीं, चलिए पीएससी की अब तैयारी करते हैं करके। प्री का रिजल्ट आया, सबसे ज्यादा लाइफ में इतनी खुशी हुई जब प्री निकला क्लियर हुआ, तो कि अब मेरे पास जो मेरा विकल्प है वो अंतिम है, कि मुझे अब आगे बढ़ना है किस चीज के लिए, पीएससी छत्तीसगढ़ के लिए, मतलब लोक सेवा आयोग के जो पेपर होंगे, सेवा जो प्रशासनिक सेवा है उसमें आपको जाना है। तो मुझे क्लियर हो गया कि मेरे लिए शायद टीचिंग वाला फील्ड उधर साइड नहीं जाने का होगा, इधर ही फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है। तो फिर मेरे पास सिर्फ 2.5 महीने थे, उसमें मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की कि नहीं ये मेरा एकदम मतलब अंतिम विकल्प है, तो मेरे को अपने संकल्प को एकदम दृढ़ करना है, बहुत अच्छे से करना है करके। मैं पूरे सर लोगों के साथ, इवन मैं आपको बताती हूँ कैसे मैं तैयारी करती थी उस समय, रिटर्न जब होता था, जब अपन लिखते थे, सर लोग कुछ बताते थे टॉपिक भाई कि ये संविधान का टॉपिक है या छत्तीसगढ़ का टॉपिक है, तो उस समय जब टॉपिक बताया जाता था तो सर लोग बोलते थे कि लिख के लाओ तुम लोग। घर में जाते थे, 2-3 बुक्स लेते थे, बुक्स लेने के बाद में नेट से भी देख रहे हैं और अच्छे से सुंदर लिख के लाते थे, एकदम मेहनत करते थे एक आंसर को लिखने के लिए कि सर लोग तारीफ करेंगे, लिख के लाते थे, पटेल सर नहीं, नहीं अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो सीधा ये बोलते थे। फिर मैं एकदम हताश हो जाती थी, निराश हो जाती थी कि यार सर को पसंद नहीं आ रहा, पता नहीं मेरे, अब अपन लोग तो खैर नए नए हैं ना, हमारे अंदर उतनी अच्छी स्किल डेवलप नहीं हो पाती थी, उतना अच्छा लिख नहीं पाते थे, तो भी वैसे करते थे। फिर मैं तिवारी सर को दिखाती थी, दीक्षित सर को दिखाती थी, इवन पटेल सर क्या बोलते थे, एक बार वो कभी किसी की कॉपी डबल या ट्रिपल चेक नहीं करते हैं, लेकिन टॉपिक्स को वो चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे गलती, इस चीज को थोड़ा सुधारो। वो बोलते थे कि मैं 2 बजे आऊंगा, मैं सुबह 7 बजे से आई रहती थी, टिफिन वगैरह लेके आती थी, नहीं सर आप मुझे बताइए, मैं 3 बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे, कई बार तो उनके सामने ही 3-3, 4-4 बार लिख लिख के उनको चेक करवाती थी कि नहीं सर अब ठीक है, अब ठीक है, अब उसके बाद ये सेंटेंस ठीक है, ये वर्ड ठीक है। मतलब सर लोगों ने जो हमारी बेस्ट, उसका नाम लिया था रक्त पिपासु बेस्ट, मतलब जो हमारे इन लोग खून को भी हम लोग पी चुके हैं, इतना हम लोगों को उन्होंने मतलब ऐसा पूछा है, हम लोगों के लिए इतना यूज किया, मतलब इस तरीके से हम जितनी मेहनत करते थे, हमारे फैकल्टीज उतने डबल मेहनत करते थे, सुबह से शाम तक हम लोगों ने कितनी कितनी 10-10 घंटे भी पढ़ाई की है लगातार बैठे, दीक्षित सर पढ़ा रहे हैं, पटेल सर पढ़ा रहे हैं, तिवारी सर पढ़ा रहे हैं, अभिजीत सर पढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग उस चीज को करते थे। फिर मुझे याद है मैं बहुत निराश होती थी, मैं बहुत मतलब यहाँ पटेल सर के सामने कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन दीक्षित सर और तिवारी सर से मैं ज्यादा क्लोज थी, तो उनके पास जाके मैं
थोड़ा अपने अंदर की भड़ास करती कि सर सर को पसंद नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लिखने की, अच्छा करने की, लेकिन सर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। पता नहीं कब सर संतुष्ट होंगे, कब सर को अच्छा लगेगा। फिर भी मैं निराश होती होती, लेकिन अब चलिए आगे बढ़ना, अपने को करना है करके। तो धीरे धीरे इंप्रूव हुई कुछ चीजें बोले, लेकिन अब थोड़ा सा ठीक लिखने लगी, अब थोड़ा सा शब्दों में कसावट लेके आ, ऐसा बोलते थे सर। तो मैं कहां से क्या चीज में लेके आऊं तो इनको अच्छा लगे, ऐसा करके। मेरे को नहीं लगता था चीज बहुत, मतलब वो था कि ये एक काम है, ये है तराशना। मतलब अगर चमकदार बनाना हीरे को तो उसको बार बार तराशना पड़ेगा। उस समय वो चीजें थोड़ी सी निराश करती थी, लेकिन अब जब हम सोचते हैं ना, रिवाइंड करते हैं उन सब चीजों को, तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं, वो सब चीजें थी तभी आज ये पल है। तो उस समय वैसे करते। फिर एक आंसर था मेरा तुलनात्मक लोक प्रशासन। जब आप लोक प्रशासन पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक आता है तुलनात्मक लोक प्रशासन का। तो उस टॉपिक को सर, अब अपन ऐसी क्लास में बैठ रहे थे, अब अपन दिखाते थे सर क्या करते हैं, उसको सबको पढ़ के सुनाते थे। ऐसा नहीं कि गाली देना है या चिल्लाना है, तो थोड़ा अकेले में नहीं, वो पूरी क्लास के सामने बेइज्जती होती थी, ये बता रही हूँ मैं सही में। तो वो चीज करते थे। तो अब वो पढ़ा रहे हैं उस समय, तो पढ़े उसको कि क्या है, तो मुझे याद उतना अच्छे से नहीं, लेकिन फिर भी एक ऐसा था कि तुलना मानव समाज की एक सहज प्रवृत्ति करके मैंने ऐसा कुछ लिखा था। पहली लाइन पढ़े और बोले कि नहीं, अब तेरे को लिखना आ गया है, अब तू सिर्फ पढ़ाई कर, अब लिखने पे ध्यान मत दे। उस समय से मैं इतना खुश थी ना कि मेरे को तो सब चीज मिल गया, अरे सर खुश हो गया मेरे को, और कुछ नहीं। मतलब मेरे जो साथ में, मेरे साथ में जो पढ़ने वाले थे, मेरी फ्रेंड लोग थे, उन लोग मेरे से ज्यादा खुश की चल सर खुश तो हुए कम से कम, ऐसा करके। अब वो चीज हुआ, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, ये 2015 की बात है, अक्टूबर की। उसमें तब से मैं तुलनात्मक लोक प्रशासन के आंसर को एकदम से सहेज के रखी थी कि इसको पूरा मैं देख लेती हूँ, अगर कहीं एग्जाम में आया तो मैं इसको लिख के आऊंगी एकदम एज इट इज, क्योंकि सर ने इसको बहुत अच्छा है बोला है, इसमें सब चीज का समावेश है, हर चीज बहुत अच्छी, तो मैं इसको लिख के आऊंगी। मैं बहुत वेट करती 2014 नहीं आया, 15 नहीं आया, बट अब नहीं करूंगी करके 2016 आ गया। तो मैं जब देखी पेपर को कि मैं बोली कि 500 वर्ड्स में हिस्ट्री का एक क्वेश्चन था, तुलनात्मक लोक प्रशासन था, तो फिर मेरा तो दिमाग ऐसा। और जब मैं लिख रही थी, बाकी टाइम मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे स्ट्रेटेजी जब लिखती हूँ तो मैं कैसे मैंने फॉलो किया था। तो बाकी कभी जो सब्जेक्ट्स थे उनके आंसर को मैंने आधा घंटा दिया, मान लीजिए 500 शब्द का, और ये जो आंसर था वो मेरे दिमाग में इतना बैठा था कि मैं 15 मिनट में उसको लिख ली, कि क्योंकि वो इतने बार रिवाइज की, तो मैं वेट कर रही थी भाई ये आंसर आएगा, इतना मेरा तारीफ हुआ है, मैं उस चीज को लिखूंगी अच्छे से करके, ऐसा मैंने सोचा था। तो वो चीज भी हुई अच्छे से, तो वो आंसर मुझे एकदम पर्टिकुलर अच्छे से याद है। उसके बाद फिर मेंस में देख के आई, सर लोगों को आके बताया कि सर मैं ऐसा ऐसा मेंस दी हूँ इस तरीके से करके, ठीक है बोले हो जाएगा दिव्या, थोड़ा सा इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करो करके। तो इंटरव्यू की तैयारी यहाँ ज्वाइन की, हम लोगों का मॉक इंटरव्यू होता था, तो उस समय सर बताते थे कि इस तरीके से उठना, इस तरीके से बैठना, इस तरीके से आपको आंसर्स देने हैं, इसको अच्छे से कीजिए, इस वाले टॉपिक को अच्छे से कीजिए, ऐसा सब पूरा मार्गदर्शन मिला। उसके बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट का दिन था, इतना क्या बोलते हैं उसको, धुकुर धुकुर लगता है बोलते हैं ना, वैसे ही, मतलब एक तो फर्स्ट रैंक का है आपका, इतना अच्छा क्या है कि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब आप मेंस दे के निकलते हैं ना, तो आपको लगता है कि मेरा मेंस का पेपर अच्छा गया है, मुझे नंबर्स मिलेंगे उसमें। और कई बार अगर आपने सटीक तरीके से एनालिसिस किया ना, तो आपको आसपास नंबर मिलते हैं। हर बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे आसपास नंबर, ऊपर नीचे थोड़ा 5-6 नंबर ऐसा मिला ही है। तो वैसे ही करके आए। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये चीज एनालिसिस किया, सर बोले कि नहीं नहीं तेरा अच्छा आएगा, सब लोग उम्मीद लगाए थे कि तू डिप्टी कलेक्टर जरूर बनेगी। उस समय का थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कि अच्छा गया पेपर, इंटरव्यू भी अच्छा गया है, तो वो चीज के लिए था मेरा। अब रिजल्ट आया, रिजल्ट मैंने देखा मेरा 11th रैंक आया था, और उस समय मैं बहुत निराश हुई थी। मेरे घर में मैं मतलब रोई भी थी, तो मेरे घर वाले ये समझे कि इसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ है, मतलब जितने पोस्ट रहते ना उससे भी आगे की रैंक आई है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए रोई कि मम्मी मैं डीसी नहीं बन पाई। फिर बोले नहीं कोई बात नहीं, तो मैंने तुरंत फोन ऑन सब चीज बंद कर दिया। उसके बाद जब मैं ऑन की, सबसे पहला कॉल आया दीक्षित सर का, वो इतने खुश होके बोले कि बेटा तेरे पहले अटेम्प्ट में 11th रैंक आया है, तू इतना अच्छा पोस्ट ले रही है। उस समय थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन का ये था दिक्कत कि हर समय 9 पोस्ट में 3 लड़कियां ली जाती थी, उसके पहले के जो आते थे वैकेंसीज उसमें, और उस समय 9 पोस्ट में 2 लड़कियां थी, थर्ड मैं थी, तो ये भी बहुत सारी चीजें थी जिसके कारण मैं नहीं थी, नहीं हो पाया, और वेटिंग में मेरा पहला डीसी के। तो अब देखिए, अब मैं आपको कुछ गलतियां बताती हूँ, क्यों बता रही हूँ, क्योंकि चाणक्य का एक वचन आपने सुना होगा कि आप हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखिए। अगर आप अपने जीवन में प्रयोग करेंगे कि मैं गलती करूंगा और सीखूंगा, तो समय बहुत कम है उस चीज के लिए।
तो मैं आपको अपनी गलतियां बता रही हूँ। अब मेरी गलतियां कैसे स्टार्ट हुई कि अभी तक मेरी कड़ी मेहनत थी, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, जो भी था वो चीज हो गया, मेरा वेटिंग आया पहला, तो फिर मैं लग गई मेरी वेटिंग को क्लियर करने में। मैं सामान्य प्रशासन विभाग जा रही हूँ, जन दर्शन जा रही हूँ, इवन कोर्ट जाने के लिए भी मैं तैयार हो गई थी कि कुछ भी तरीके से मेरा वेटिंग क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इस पूरे प्रयास में मैंने अपने 1 से 1.5 महीने बर्बाद किए। बर्बाद करने के बाद जब मुझे पूरी तरीके से मैं आश्वस्त हो गई कि अब नहीं, कहीं से भी मेरा कोई भी चांस नहीं है कि वेटिंग क्लियर हो, क्योंकि हर बार भी क्या होता था, कुछ लोग आईएएस में चले जाते थे तो छोड़ देते थे डीसी का पोस्ट, तो वेटिंग वाले का क्या हो जाता था, क्लियर हो जाता था। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ 1 महीना था। अब मैं सोची कि बाकी कोई प्रयास नहीं करूं, सिर्फ 1 महीना मेरे पास टाइम है। अब आगे का जो 2015 का है उस वक्त का मेंस मुझे देना है, ठीक है। मैंने तैयारी की। अब जब मैं तैयारी की तो मैंने सबसे पहले ये रणनीति अपनाई कि पिछली बार जो मेरे नंबर कम आए थे जिस सब्जेक्ट्स में, उस सब्जेक्ट्स में मुझे अच्छे से परफॉर्म करना है इस तरीके। तो लास्ट टाइम मैंने देखा कि इकोनॉमिक्स में मेरे को बहुत कम मिले थे, 87 कुछ मिला था उस समय। तो मैंने इकोनॉमिक्स के पेपर्स को थोड़ा सा देखा, स्टडी किया, अपने राइटिंग स्किल पे काम किया, सर लोगों से मार्गदर्शन लिया, तो सर लोगों ने जो चीज बताई उस चीज को मैंने अच्छे से फॉलो किया। फॉलो करने के बाद फिर मैं उसमें दी। आप देखिए गलती मेरी क्या हुई वहां पे, आ गया ओवर कॉन्फिडेंस। क्या ओवर कॉन्फिडेंस कि मेरे पास 1 महीने का टाइम है, जो सब्जेक्ट मेरे कमजोर है उस पर मैं काम करूं, लेकिन जो सब्जेक्ट मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड से रिलेटेड है, यहाँ कहने का मतलब मैथ्स और साइंस, ये तो मेरे से बन जाएगा, उसको आखिरी के 1 हफ्ते में पढ़ लूंगी। आखिरी के 1 हफ्ते में भी मैथ्स और साइंस क्या मांगता है, प्रैक्टिस। 2 × 2 = 4 अगर आप बोल रहे हो, ये भी आप भूल सकते हो एग्जाम में अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैंने प्रैक्टिस नहीं की, सीरियसली मैंने प्रैक्टिस उस समय नहीं की, और मैथ्स और साइंस को लास्ट का जो वीक था उसमें सिर्फ ऐसे ऐसे देख के गई थी। मैंने पूरे पेपर्स दिए, मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया, इकोनॉमिक्स के पेपर में भी, हिस्ट्री के में भी, निबंध में, हर चीज में एक्सपेरिमेंट किया थोड़ा सा कि ट्राई करूं मैं कुछ अलग। राइटिंग स्किल पे थोड़ा सा काम किया, स्पीड पे थोड़ा काम किया, बट जहां काम को और अच्छा करना चाहिए था वहां पर मैंने थोड़ी सी ढील दे दी। जब मैं बैठी एग्जाम में, मैथ्स में पूरा सॉल्व करी थी लेकिन मेरे फाइनल आंसर नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिस की कमी थी। साइंस में कर रही हूं, अगर मैं केमिस्ट्री का कोई समीकरण लिख रही हूं तो मुझे उसको बैलेंस करना नहीं आ रहा था। और हमेशा ये चीज भी मैं देखती थी कि साइंस का क्या होता था कि मैं जो प्रौद्योगिकी और पर्यावरण वाला पोर्शन है उसके क्वेश्चन सॉल्व करती थी, ये भी था। जबकि मैं अगर साइंस बैकग्राउंड से हूं, क्योंकि 12th का मेरा साइंस में हुआ है, अगर तो मुझे क्या चीज अटेम्प्ट करना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर बायो वाली हूं तो बायो, तो वो ज्यादा आपको वेटेज देगा और उसमें अगर आप सही सही लिखेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो वो चीज मेरी थोड़ी सी वहां पे क्या हुआ, लेकिन फिर भी मेरा ओवरऑल अच्छा गया। मैंने बोली कि नहीं, ओवरऑल मेरा मैथ्स और साइंस का अच्छा गया, ठीक है। अब रिजल्ट आया, रिजल्ट के पहले मैं कॉन्फिडेंट थी कि नहीं मेरा इस बार अच्छा गया है और बहुत अच्छा नंबर आएगा, इस बार तो मैं डिप्टी कलेक्टर बन ही जाऊंगी। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया था कि मैं इस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू में बैठी। ये कब की बात बता रही हूँ, मेरे सेकंड अटेम्प्ट की बात बता रही हूँ। मैं जल्द था सॉरी, तो वो जब सेकंड टाइम मैं गई इंटरव्यू में, तो एक हो सकता है कि सामने जो सर लोग बैठे थे उनको मेरे चेहरे पे ओवर कॉन्फिडेंस जरूर दिखा होगा कि मैं इस तरीके से कि मेरा तो मेंस अच्छा गया है, अब इंटरव्यू में जैसा मतलब होगा मैं देख लूंगी, जैसा अच्छा जाता है, नहीं जाता तो भी मेरा मेंस तो बहुत अच्छा ही है ऐसा करके। तो कुछ कुछ क्वेश्चन थे, फैक्चुअल क्वेश्चन थे, ये चीज था। तो क्या चीज था वहां पर, इंटरव्यू ठीक ठाक गया था, एकदम अच्छा नहीं गया था और एवरेज भी नहीं था, एवरेज और बहुत अच्छे के बीच में मेरा इंटरव्यू गया था। अब रिजल्ट आया तो उस समय जब मैं देखी अपना रैंक 21वां, मतलब अगर मेरा 11वां रैंक पहले अटेम्प्ट में आया तो कम से कम 8, 9, 7 इस तरीके का रैंक भी आता तो मुझे लगता कि मैंने थोड़ा प्रोग्रेस की है, लेकिन मैं तो सीधा पीछे हो गई। तो उस समय जो ओवर कॉन्फिडेंस मेरा उठा था वो पूरा धड़ से नीचे गया एकदम, मतलब पूरा का पूरा इस तरीके से कि नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। जहां पे आपने गलती की है उस गलतियों को देखिए, उन गलतियों को सुधारिए और एक्सपेरिमेंट और जारी रखिए सभी सब्जेक्ट्स के लिए। और मैंने जो इकोनॉमिक्स के लिए वगैरह के लिए एक्सपेरिमेंट किया था वो सब सफल हुए, नंबर अच्छे मिले, 87 पहले था फिर बाद में मुझे 110 नंबर मिले, तो ये सब चीजें हुई। लेकिन मैथ्स और साइंस अगर इस पे मैं बहुत अच्छे से ध्यान देती तो उस समय भी मेरे नंबर बहुत अच्छे आते। फिर मेरे सामने यही आया कि मैंने क्या गलती की। सबसे पहली बात आप लोगों को भी याद रखना है कि जब भी आप प्री दे के आते हैं तुरंत मेंस आपको स्टार्ट करना है। मेंस का रिजल्ट आता है, इंटरव्यू स्टार्ट करना है। इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाया, अगर आप सफल हुए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको मन चाहे पोस्ट नहीं मिली आप उसके लिए आगे के लिए प्रयासरत रहिए। अगर आप असफल हो गए
तो थोड़ा एक दो दिन अपने आप को दीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स होइए, पॉजिटिविटी लेके आइए अपने अंदर, थोड़ा सा धैर्य रखना है आपको, लेकिन कहीं पर भी कोई भी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा कि ये हो गया तो मेरे साथ हो गया, तुरंत तो आपको तैयारी करनी है कि आपकी जो कंटिन्यूटी है वो क्या होना चाहिए, बरकरार रहनी चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, ताकि ओवर कॉन्फिडेंस या डिप्रेशन इस टाइप की चीजें आपके जीवन में आए, ये आपके प्रयास को प्रभावित कर सकती है। तो ये चीज हुआ, उसके बाद मैंने 10 दिन दिया खुद को कि नहीं, मुझे जो गलतियां हुई है उसे अपने आप को स्वीकार करना है कि गलती मुझसे हुई है। कोई इंसान वहां पे अगर इतना अच्छा रैंक लेके आए तो वो इसलिए आए कि उसकी तैयारी मुझसे कहीं बेहतर थी। कभी भी आप दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे, आपका रैंक नहीं आया वो आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही होगी, उनकी तैयारी थोड़ा सा आगे होगी तभी वो उस पोजिशन पे है। तो फिर उस समय मैंने एकदम देखा तो फिर ये सोची कि मैं पूरा जीरो हूँ, बहुत बड़ी गधी हूँ मैं, बहुत जीरो हूँ मैं, जीरो से स्टार्ट करूंगी, जैसे नर्सरी में ए बी सी डी करते हैं स्टार्ट, वैसे ही मैं हर सब्जेक्ट को ऐसे स्टार्ट करूंगी। तो फिर मैंने पूरा जीरो से स्टार्ट किया, मैंने अपने छत्तीसगढ़ की कॉपी खोली, कॉपी में फर्स्ट पेज से मैंने स्टार्ट किया, जो सर नक्शा बनवाते हैं ना कि सबसे पहले अपन जो बस्तर संभाग है वहां से चालू होता है, तो वहां से मैंने स्टार्ट किया। मैंने संविधान, हिंदी, हर चीज ऐसे लगा कि मैं ये पहली बार दे रही हूँ। और मैंने बहुत सारी चीजें क्या की, एक्सपेरिमेंट किया कि नहीं अब इस तरीके से मैंने लास्ट टाइम लिखा था तो अब मैं इस तरीके से लिखूंगी तो मुझे थोड़ा से अच्छे मार्क्स मिलेंगे, हो सकता है ऐसा करके। और फिर मुझे ये पता चल गया था कि देखिए प्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वो आपको क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है आगे की राह में ले जाने के लिए, वो क्या करता है, आपको फिल्टर करता है। आप जब तक प्री नहीं करोगे आगे की तैयारी नहीं कर सकते। मेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मेंस डिसाइड करता है कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, थर्ड क्लास की पोस्ट मिलेगी कि सेकेंड क्लास की पोस्ट मिलेगी। इंटरव्यू डिसाइड करता है कि आपकी रैंक क्या होगी, जैसा मेरे साथ हुआ, थ्योरी में टॉपर हूं लेकिन इंटरव्यू में कम मार्क्स के कारण मेरा क्या आया, सेकेंड रैंक आया। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंस समझ में आना चाहिए हर एक चरण का। तो वैसे ही मैंने जब स्टार्ट किया मेंस में देखी आई, मैं यकीन मानिए हर मेंस के बाद मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, बल्कि मैं एकदम शांत होकर दे रही थी। और जब मैंने लास्ट पेपर देके निकला मुझे लगा था कि इस बार बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैंने अपने आप को खुद ही मूल्यांकन कर लिया था कि नहीं मैंने पिछले 2 प्रयास से बेहतर किया। कोई भी पूछता था दिव्या कैसा गया तुम्हारा एग्जाम, लास्ट 2 टाइम से बेटर है, पिछली बार से मैं कभी ना क्या बहुत अच्छा गया, इस बार तो मैं डीसी बन जाऊंगी, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, मैंने अपने आप से भी नहीं कहा ये चीज। मैंने ये कहा कि पिछली बार से बेहतर है, इस बार होता है बहुत अच्छी बात, और नहीं होता है तो मैं फिर से आगे प्रयास करूंगी, तो फिर से पिछले 3 बार से बेहतर बनाऊंगी, जब तक नहीं बनूंगी तब तक मैं प्रयास करते रहूंगी, एटलीस्ट मेरे अंदर सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने लास्ट अवसर तक प्रयास किया। मैं घर में भी यही बात बोलती थी, 40 की एज अगर है 40 की एज तक मैं प्रयास करूंगी, नहीं होगा तो मैं मान जाऊंगी तब कि किस्मत में नहीं था लेकिन मैं प्रयास की। देखिए संतुष्टि एक चीज है, जब हम दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें रहता है यम नियम, जो अष्टांग योग रहता है तो उसमें नियम है कि आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तो उसमें सेकंड पॉइंट जो है वो संतोष है। तो उसकी परिभाषा वो किस तरीके से लिखता है कि समुचित प्रयास के पश्चात जो चीज आपको प्राप्त नहीं हुआ उसके लिए शोक मत कीजिए, और जो आपके पास है उसमें आपको संतुष्ट होइए। लाइन कहां से चालू हुई, समुचित प्रयास। आप खुद, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैंने अभी तक अपना 100% नहीं दिया है, क्योंकि आप बोल ही नहीं सकते, आप परिभाषित ही नहीं कर सकते कि आपका 100% क्या होता है। हर बार दोगे हर बार लगेगा कि हम निखर रहे हैं, हर बार लगेगा कि हम बेहतर बन रहे हैं, हर प्रयास में आपको लगेगा कि क्वालिटी क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। तो आपको बेसिकली अपना ये जो 2 साल का, पिछले 2 साल का जो था बताने का, कि ये पूरा एक मिक्सचर था मेरा किस चीज का, गलतियों का भी, अनुभव का भी, कड़ी मेहनत का भी, और सही में क्या है आपके पास, सफलता का भी। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको धैर्य रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम कर लेंगे, क्योंकि जब मैं तैयारी चालू की थी उस समय मुझे क्या लगता था कि पिछले 2-3 साल से जो तैयारी करें उनके साथ मेरी कंपटीशन है, तो मैं क्या करूंगी कैसे करूंगी इस टाइप को लगता था। तो जब आप बहुत कम समय में तैयारी करना चाहते तो उसका एक ही फंडा है कि आपको क्या करना है, अपने जीवन के ज्यादा समय उसको देना है। अगर नॉर्मल इंसान 4 घंटा पढ़े तो आपको 8 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका कंपटीशन लोग हैं वहां पे। और जब मैं फर्स्ट टाइम जीती तो मेरे बहुत सारे प्रतियोगी जो प्रतिभागी उनके साथ मेरा कंपटीशन था, लेकिन जब मैंने सेकंड टाइम दिया तो किसके साथ मेरी प्रतिस्पर्धा थी, खुद के साथ थी। मैंने अपने लिए एक बेंचमार्क लगा था कि भैया 11th रैंक आया है पिछली बार, अगली बार तो 21 आ गया, अब मुझे करना है। मैंने अपने लेवल को, अपने जो मार्क्स है उसको मैंने बेंचमार्क सेट किया था कि नहीं मुझे अब इससे ज्यादा लेके आना, और आप लोगों के सामने रिजल्ट है।
देखिए ये बहुत एनालिसिस करना और उसके बाद अपनी गलतियों को सुधारना और लगातार रखना। देखिए जब छलांग लंबी लगानी होती ना तो आपके पैर क्या होते हैं, पीछे होंगे। तो जो मेरा सेकंड टाइम की असफलता थी जिसमें मेरा 21वां रैंक आया था वो वही था, मैंने वही चीज अभी मुझे लगता है कि शायद मेरी छलांग ज्यादा लंबी होने वाली थी इसीलिए उसमें मुझे असफलता ऐसा प्राप्त हुई। असफलता इन द सेंस कि मुझे जो पोस्ट चाहिए थी वो पोस्ट नहीं मिली। और आप उसमें भी देखेंगे तो हमेशा मैंने पहला और अंतिम विकल्प डीसी ही रखा था। फर्स्ट टाइम इसलिए रहता था क्योंकि हम बेरोजगार थे, हमारे लिए सबसे पहला क्या रहता है लक्ष्य कि हमको रोजगार मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। तो सेकंड ऑप्शन हम लाइन से पूरा भर देते कि हमारा सेकंड ये है, थर्ड ये है, पूरा आखिरी जो भी होगा आखिरी तक नायब तहसीलदार तो आबकारी का जो थर्ड वाला है वो पूरा चीज आप डाल देते। लेकिन जब आपका एम एक ही रहता है तो पहला और अंतिम विकल्प क्या होता है, वही पद होता है जो आपको चाहिए। तो मैंने वही चीज किया था। तो एक छोटी सी स्टोरी थी जो ये मतलब बता रही कि सफलता जो है वो आपको एकदम से नहीं मिलेगी, बहुत कुछ करना पड़ता है उसके लिए। अब बेसिकली हम जो रणनीति अपनाते हैं पढ़ने के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से मतलब किसी भी पोर्शन से क्वेश्चन आए आपको उसको बनना आना चाहिए। अगर अभी क्योंकि अभी आप देख रहे हो अभी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन है, मैं डरा नहीं रही हूं, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो। स्मार्ट स्टडी करनी है, पांडित्य दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपने पूरा पढ़ लिया, ये नहीं, आपने जितना पढ़ा है वो आपके दिमाग में 100% कंफर्मेशन के साथ होना चाहिए कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपने ऑप्शन में क्या किया है, टिक किया है। अगर आप थोड़ा सा भी वहां पे आपका विश्वास आत्मविश्वास जो है वो डावाडोल हुआ कि ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा तो वहीं पर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि मारू कि नहीं मारू, कहीं एक नंबर तो कट नहीं हो जाएगा, कहीं निगेटिव मार्किंग तो नहीं हो जाएगी। इस चीज को कंट्रोल करना है थोड़ा सा, क्योंकि इस बार सी सेट क्या हो गया है, क्वालिफाइंग हो गया है। पहले स्ट्रेटेजी अपन क्या अपनाते थे कि इधर साइड थोड़ा सा 40 तक बना लेते हैं, उधर साइड मस्त 70-80 लेके चले जाएंगे, दोनों मार्क्स जुड़ेंगे तो आपका नंबर अच्छा आ जाएगा। बहुत लोगों की स्ट्रेटेजी, इवन मेरी भी यही चीज थी। लेकिन अब क्या है, अब जीएस जिसका जो फर्स्ट पेपर तगड़ा है वही क्वालिफाई अच्छे से कर सकता है। सेकेंड पेपर में बिल्कुल आप छत्तीसगढ़ भाषा और जो भी विज्ञान सॉरी ये जो है अपना मैथ्स है तार्किक है ये सब चीज को आप करोगे ना आराम से आपका पासिंग मार्क्स के लायक बन जाएगा। अब आपको जो तैयारी करनी है फर्स्ट पेपर के लिए, देखिए फर्स्ट पेपर जब आप तैयारी करते हैं 50 क्वेश्चन किसके हैं, छत्तीसगढ़ का है कि नहीं। देखिए प्री मेंस या इंटरव्यू ये तीनों के लिए छत्तीसगढ़ कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। प्री में 50 क्वेश्चन आपके क्या है छत्तीसगढ़ के और 50 अदर सब्जेक्ट के हैं, ठीक है। वहां पर आप पेयरिंग में याद कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी ये दोनों की पेयरिंग की है कि चलिए भाई मेरी जो भूगोल है भारत का या विश्व का भूगोल वो मेरा अच्छा स्ट्रांग है, थोड़ा सा अगर कम हो गया अर्थशास्त्र तो मैं उसको कवर कर लूंगी, ठीक है। वैसे ही आपने क्या किया इतिहास और संविधान के साथ आपने इस तरीके से कर ली, लेकिन इस तरीके की कोई भी रणनीति आपकी छत्तीसगढ़ के साथ नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के मामले में अपने ऊपर तरस खाना ही नहीं है, जो चीज आपको पढ़ाया जा रहा है जो चीज आप बुक से पढ़ रहे हैं उसको इतना अच्छे से पढ़िए इतना अच्छे से रिवाइज कीजिए कि वहां पे फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप टिक कर सको। अभी तो आपको ऐसा लगता है कि 50 में से मिनिमम 35 आपका एकदम सही होना चाहिए, मिनिमम 35 ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। मिनिमम 35 मैं मिनिमम बोल रही हूं मतलब आपको और भी ज्यादा क्या करना है कवर करना है। तो उस चीज के लिए आपको पहले बेस बनाना बहुत जरूरी है, मैप के थ्रू जाइए। मैप जब आप पढ़ते हैं तो आपको हर चीज समझ में आती है, आपको जब चीजें बताई जाती है ना कि ये मिट्टी यहां मिलती है, ये नदी यहां से निकल रही है, ये खनिज यहां, ये उद्योग यहां है, तो आप ऐसे आप सर को नहीं देखेंगे, पटेल सर को, आपका जो सामने ना जो सर ने क्या किया है स्टार्टिंग में क्या किया उसने, जो भी एक मैप है आपका जो दिमाग है, दिमाग ने आपके क्या किया है उस मैप को पूरा रट लिया है कि हाँ भाई ये मैप ऐसा दिखता है करके। लेकिन मैप देखने के बाद जब आपको क्या किया जाता है कुछ चीज बताई जाती है तो आपका पूरा दिमाग क्या करता है उसमें उसको पूरा सेट करता है कि ये आपका यहाँ ऊपर उत्तर छत्तीसगढ़ में है, ये दक्षिण में है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये चीजें याद करने में बहुत अच्छी होती है। तो छत्तीसगढ़ की प्रिपरेशन के लिए ये चीज आपको, अभी देखिए समय कम है लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे घर पे तो वो चीज आपके लिए बहुत मतलब लाभदायक होगी। यहाँ पर जो भी चीज सुनते हैं उसी में सीमित नहीं हो जाना। देखिए सर लोग आप लोगों को गाइडलाइन देते पूरी क्लास को देते हैं, कभी कोई भेदभाव होता है, सभी को एक साथ बताया जाता है, लेकिन फिर क्यों उसमें से कुछ ही लोग आगे जाते हैं कुछ लोग पीछे हो जाते हैं। तैयारी और उसकी रणनीति जो है, यहाँ पर आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक को घर जाइए उसको आप 2-3 बुक से और देखिए
और साथ में उसको किससे देखना, नेट पे अगर अवेलेबल है, उपलब्ध है तो आप नेट से देख सकते हैं, इंटरनेट तो आजकल बहुत सारी चीजें दे रहे हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं, तो ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा करना है। देखिए छत्तीसगढ़ में जब हम जाते हैं तो छत्तीसगढ़ में जनगणना कठिनाई होती है याद करने में, जिन लोग पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, जिन लोग तो जो पहली बार या 2 साल हो गया होगा तो उनको तो आंकड़े पूरे रट जाते हैं वो चीज है। तो जनगणना के लिए आप कैसे करते हैं, सबसे पहली बात जब भी आप कोई भी नोट्स बनाते, देखिए मैंने, मेरे पास बहुत कम समय था, मैंने कोई नोट्स ऐसा नहीं बनाया था, सिर्फ जैसे शॉर्ट नोट्स होते ना कि की पॉइंट्स, ऐसा तो वही कर करके मैंने इसको थोड़ा बहुत तैयारी की थी। तो जो शीट आती है 3 या 5 रुपए की जो शीट आती है, जब आप कोई चीज पढ़ते हैं और आपका पन्ना ऐसे पलटता है, दिमाग स्विच होता है, तो आप एक ऐसी चीज की तैयारी कीजिए कि एक बार में आपको वो चीजें दिखाई दे। एक बड़ी सी शीट लीजिए, मैं लेके तो खैर नहीं आई, लेकिन उसमें आपको पूरे नक्शे बनाने छत्तीसगढ़ के, ऐसे जब आप उसको 4 भाग में डिवाइड करेंगे ऐसा करके, तो पहले भाग में से आपने लिख दिया कि जनसंख्या और लिंगानुपात उसका नक्शा बन गया, फिर आपने बना दिया साक्षरता और नगरीकरण का, जनसंख्या घनत्व और उस चीज का, ऐसा करके आप पूरा एक नक्शा बना दीजिए, उसमें पूरा शेडेड पोर्शन आपको मिल जाएगी बुक में, बड़े सर की बुक में दी हुई है पूरा, तो वो चीज को कर दीजिए, उस आंकड़े को कर दीजिए, ठीक है। और उसके पीछे साइड में आपने लिख दिया कि छत्तीसगढ़ की स्थिति, उसके साथ में भारत की स्थिति, एक शीट उसी के पीछे साइड में कर दीजिए, छत्तीसगढ़ 2001 में क्या था और 2011 की जनगणना में क्या था। ये आपको ज्यादा से ज्यादा कितना, अगर आप बहुत अच्छे से बना रहे, एकदम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा समय दीजिए इस चीज को बनाने के लिए। फिर आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ाई चालू करते हैं, मान लीजिए आप सुबह उठ के पढ़ रहे हैं या जब भी घर पे बैठ रहे हैं, उसके पहले 10 मिनट दीजिए उस चीट को। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिसको जनगणना में दिक्कत होती है, मैं बता रही हूँ कि मैंने जो किया उस चीज का, तो फिर आप एक बार उस चीट को देखिए कि हाँ भाई ये नक्शा है, ये चीज है, बार बार छत्तीसगढ़ आपका क्या मानता है, बार बार रिविजन। और रिविजन का मतलब ऐसा कि आपको नींद में भी अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि यहां से निकलती महानदी इतनी लंबी है, ये है वो है, जो पटेल सर वहां पे बोला है ना वो पूरा आपका निकलना चाहिए ऐसा टाइप। तो वो चीज आपको बार बार रिवाइज, बार बार आपने 10 बार ऐसे से रटोगे उसका कोई मतलब नहीं। एक एग्जांपल, जैसे कि हम लोग को बचपन से मंत्र पढ़ना सिखाया जाता है, जैसे कि कोई चीज हमको मीनिंग नहीं पता होता है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको रोज दिन पढ़ते हैं, हमको वो चीजें याद होती है, तो वो चीजें याद होती है। सेम वैसे ही आपको जो भी चीजें समझ में नहीं आ रही है या जो चीज आपको याद नहीं हो रही है, रटने की जरूरत नहीं है, रोज दिन उसको अपने आंखों के सामने से गुजारिए। आपका आंख उसका रोज दिन क्या करना चाहिए, फोटो लेना चाहिए, तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आपको वो चीजें याद आ जाती है और आपका क्या हो जाता है, वो टिक हो जाता है कॉन्फिडेंस के साथ। तो रटने की 10 बार पढ़ रहा हूं, 20 बार पढ़ रहा हूं, 10 बार लिख रहे हैं, 20 बार लिख रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। बस उसको क्या करना है, बार बार आप उसको आंखों के सामने से गुजारिए। देखिए एक ये जनगणना का था, एक क्वेश्चन होता है आपकी रचनाएं, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि किसकी क्या रचना है, क्या है, कैसा है करके, उसके लिए भी आपको वैसे ही शीट, मैं शीट बनाने के लिए से बोल रही हूँ कि वो आपके एक बार में दिखेगा, आपको पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है कि नहीं मेरा उपन्यास का नाम क्या था, इसको किसने लिखा, ये लिखा, वो पूरा आपको दिख जाता है, तो ये आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। साथ में हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स ऐसे बना के रखिए, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री कि पूरा जो पहले का है, जितना भी आपका सिंधु सभ्यता से लेकर पूरा जो लास्ट राष्ट्रीय आंदोलन तक, रियासतों तक है, सबका छोटा छोटा नोट्स कि भाई कौन से समय में, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में शब्दों में आप लिख सकें या बहुत विश्लेषण करें ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, सब के सब कैसा टॉपिक, एकदम फैक्चुअल टाइप का, मतलब आपको याद होना चाहिए उसी से, पूरी इन्फॉर्मेशन जैसे ही है, क्योंकि ये अगर आपका यहाँ पर हो गया प्री में, तो प्री में आप उसको पॉइंट पॉइंट के रूप में याद करते, लेकिन जब आप मेंस में जाते तो उसी शब्द को क्या किया आपने, जोड़ दिया, क्या कर दिया, जोड़ के क्या बना दिया, वाक्य बना दिया, तो वो आपका मेंस की तैयारी हो जाएगी, वो बाद की बात हो जाएगी, प्री में आपको सबसे पहले यही करना है। तो जो चीजें आपसे नहीं बनी छत्तीसगढ़ की, उसकी शीट बनाइए, उसको रोज दिन देखिए, 1 महीने का टाइम आपके पास है, गारंटी दे रही हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा फरवरी के फर्स्ट वीक तक, अगर आप आज से ही स्टार्ट करते ये चीज करना। आज आपके पास होमवर्क नहीं होगा क्योंकि आज पटेल सर की क्लास नहीं हो रही, आप घर जाके वो चीज कर सकते हैं, करना है मतलब करना है, ऐसा नहीं कि हाँ कर लेंगे या फ्रेंड बना के दे देगा, इस तरीके का करना नहीं, इच्छा शक्ति दृढ़ रखना बहुत जरूरी है। सामने वाला कुछ भी करे, हमारी परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, कुछ भी हो, हमको करना है मतलब करना है, कुछ भी हो जाए, तो वो चीज जब तक आप अंदर नहीं लेके आएंगे तब तक वो चीजें इम्प्लीमेंट नहीं होगी और आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। तो वो आपको बिल्कुल बनाइए और उस चीज का जो भी शॉर्ट नोट्स है वो सब चीज को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब आप जाएंगे वहां पर तो सुबह उठ के उसको एक बार देखने में आपको अच्छा लगेगा। खाली इसी के सब्जेक्ट का ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट का भी आप कर सकते हैं, अलग अलग जो संविधान है, इतिहास है, इस तरीके का। अब भाषा पे जब आते हैं तो उसमें भी, वो भी एक दिन की तैयारी नहीं है, भाषा को भी आपको रोज दिन पढ़ना पड़ता है,
ऐसे ही मैंने आधा घंटा दे के रखा था कि भाई आधा घंटा है मेरे पास जिसमें मैं 10 मिनट जनगणना देखूंगी, 5 मिनट रचना देखूंगी, 5-10 मिनट में रोज इन 5-5 पर्यायवाची या 5 विलोम शब्द जो सर की बुक है रविंद्र तिवारी सर की, तो उस बुक से मैं देखती जाती थी क्योंकि वो इतनी सफिशियंट है कि आप उतना भी कर लेंगे बहुत अच्छा परफॉर्म हो जाएगा आपका लैंग्वेज में। साथ ही हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों किसमें आएगा, आपके सेकंड पेपर में भी आएगा। तो ये चीज आपको अच्छे से करनी है और हमेशा ध्यान रखिए पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन जितना पढ़ रहे हो उसको क्वालिटी के साथ पढ़ना, मतलब एकदम सटीक पढ़ना है कि अगर इस टॉपिक से आया तो बिल्कुल मैं बना सकती हूँ, इस कॉन्फिडेंस के साथ आपको उस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। तो ये था आपका प्री का जो छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन, उसके लिए हिस्ट्री हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, इकोनॉमिक्स हो, भूगोल हो, जैसा सर लोग आपको बता रहे हैं वो चीज आपको करनी है, लेकिन उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाना पड़ेगा। संविधान का कोई भी शब्द यहाँ सर बोलते हैं बिल्कुल आप उसको सुनिए, सर जो बोल रहे हैं उसको आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद घर जब जाते हैं आपको बहुत सारी बुक्स मिलेगी। नेट में भी देखिए छत्तीसगढ़ के लिए आपको सामग्री नहीं मिलती है, बाकी सब्जेक्ट जीएस के लिए आप तो बहुत, अब देखिए अब तो हम लोग जो तैयारी कर रहे थे उसकी तुलना में अभी तो बहुत ज्यादा मटेरियल उपलब्ध है नेट पे। तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, घर जाके थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट कीजिए कि नहीं अगर ये टॉपिक सर ने बोला है और मुझे अपना आंसर या मुझे अपना नॉलेज का जो स्तर है उसको थोड़ा सा चेंज करना है, दूसरे की तुलना में थोड़ा सा बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा और मेहनत करना बहुत जरूरी है क्योंकि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हर चीज का विकल्प उपलब्ध है इस दुनिया में, लेकिन कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। किस्मत से एक बार सफलता मिल सकती है लेकिन हर बार नहीं मिलेगी, ये चीज है। तो कड़ी मेहनत आपको करना बहुत जरूरी है, होमवर्क करना बहुत जरूरी है, यहाँ पर जो एक्सरसाइज करने के लिए दिया जाता है उसको करना बहुत जरूरी है। करोगे तभी गलतियां होंगी, गलतियां होंगी तो सीखोगे, सीखोगे तो और प्रयास करोगे, और प्रयास करेंगे तो क्या मिलेगी, आगे सफलता जरूर मिलेगी। बार बार बोल रही हूँ कि एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो ये थोड़ा सा था कि कैसे आपको प्री में तैयारी करनी है। तो बेसिकली छत्तीसगढ़ को एकदम जो आपका स्लॉट है ना पढ़ने का, उसको आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक जो पहला भाग है उसमें क्या पढ़ना है, आपको छत्तीसगढ़ को पढ़ना है। छत्तीसगढ़ आपको कभी मत छूटे, छत्तीसगढ़ के लिए खुद पे तरस खाना ही नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसमें जब हम लोग सीसेट की तैयारी करते हैं तो सीसेट में क्या आता है, मैथ्स आता है। तो मैं मैथ्स और विज्ञान को हमने वहां पे रखा था कि भाई दूसरे स्लॉट में हम उसकी तैयारी करेंगे, उसकी तैयारी कीजिए क्योंकि अभी से प्रैक्टिस करोगे तो वो मेंस में काम आती है। तो उस चीज को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं लेकिन वो दूसरा पार्ट रहेगा। तीसरे पार्ट में आपके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विषय हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, संविधान है और अर्थव्यवस्था है, भूगोल है, इन सभी की तैयारी कीजिए। और जो फोर्थ पार्ट है वो किसके लिए, आपके करंट अफेयर के लिए, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट मैं बोल रही हूँ कि छत्तीसगढ़ है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका क्या है, करंट अफेयर है। देखिए करंट अफेयर का क्या है, ठीक है आपने प्री में नहीं बना करंट अफेयर कोई दिक्कत नहीं, आप करंट अफेयर लगातार पढ़ते जाइए। छत्तीसगढ़ के लिए जनसंपर्क की वेबसाइट से रोजगार आता है, विकास परक आता है, और यहाँ पर अभी जो मुस्कान पब्लिकेशन की जो आ रही है पिछले कितना कौन सा अंक है, शायद तीसरा या चौथा अंक है, तो उसको आप बहुत अच्छे से कीजिए करंट अफेयर की, उसको बार बार आपको रिवाइज करना है। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जब वो प्रकाशित हुई थी तो मैंने उसको देखा था, तो वो बहुत अच्छे से आपको पूरा फॉर्म में आपको वहां पे उसने समराइज करके दिया हुआ है, तो उसको आप कर सकते हो। नेशनल लेवल के मैगजीन है, नेशनल लेवल का डीडी न्यूज है, ये सब चीजों को आप सुनिए पढ़िए और वो सब चीजों को भी आपको देखना है, क्योंकि प्री में करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन बन गए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और इन्हीं करंट अफेयर्स के बेसिस पे आपका निबंधात्मक प्रश्न और निबंध का जो पेपर है ये दोनों बहुत अच्छे बनते हैं। और इंटरव्यू में भी क्या पूछा जाएगा, करंट अफेयर पूछते हैं, और अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं और अगर कुछ चीज आगे कुछ होती तो आपका पिछला वाला क्या होगा, बेस बनेगा, तो वो चीजें आपको करंट अफेयर करनी। तो ये स्लॉट आप तैयार कर सकते हैं कि आपको छत्तीसगढ़ को टाइम देना है, गणित को टाइम देना है, और उसके बाद करंट अफेयर है, और जो दूसरा सब्जेक्ट है बाकी उसको आपको रोज दिन चेंज करते हुए जैसा भी आपको जमता है। ये मेरी एक रणनीति है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूं। आप अपने आप को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, अपने सामर्थ्य को ज्यादा अच्छे से पहचानते हैं, आप बिल्कुल इसमें चेंज कर सकते हैं आपको जैसे समझ में आता है, आपको सो के पढ़ने में अच्छा लगता है आप वैसा कीजिए, बस आपके दिमाग में वो चीजें क्या होनी चाहिए, स्टोर होनी चाहिए और स्लॉट वाइज स्टोर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब मिक्स हो जाए। तो स्लॉट वाइज स्टोर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, रोज दिन उसको रिवाइज करना। बार बार बोल रही हूँ कि बार बार आपको छत्तीसगढ़ को रिवाइज करना है, बार बार उसको आंख के सामने से गुजारना है। बुक को पूरा पढ़ लीजिए, 2 से 3 बार पूरा कर लीजिए। मैं कैसे करती थी कि 1 महीने का अगर समय है तो फर्स्ट वीक में ज्योग्राफी करूंगी छत्तीसगढ़ का भूगोल, दूसरे वीक में उसका इतिहास, तीसरे वीक में संस्कृति जो होगा और कुछ पुरस्कार वगैरह या करंट अफेयर कुछ है तो उसको मैं फोर्थ वीक में करूंगी। तो 1 महीने में मेरा क्या हो जाता है, छत्तीसगढ़ मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे 2 महीने मेरे पास, तो मैं उसको 2 बार रिवाइज कर लूंगी। और इस 1 हफ्ते में जो मैं तैयारी कर रही हूँ
वो मुझे क्या कर रही है, एकदम सॉलिड कर रही है। तो ये चीज आपको स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं। वो अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके की रणनीति अपनाते हैं या आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। एक सिंपल सा मेरा कॉन्सेप्ट था कि मुझे छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से स्ट्रांग करना है, क्योंकि अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती थी तो उस समय भी मेरा क्या था कि छत्तीसगढ़ मेरा क्वेश्चन बनना चाहिए। तो उस समय से जो मैंने एक बेस पकड़ा कि नहीं मुझे छत्तीसगढ़ अच्छे से करना है, तो वो बेस मेरा चलते जा रहा है और मैंने बहुत अच्छे से किया। और आपको पता है कि छत्तीसगढ़ का बेस, छत्तीसगढ़ का आधार कहां से बनता है? कहां से बनता है? मैप से बनता है। मैप कौन पढ़ाता है? आपको सर की क्लास को बहुत अच्छे से सुनना पड़ेगा। सर चिल्लाते हैं, मारे तो फिर नहीं अभी तक, चिल्लाते हैं और किसी को भी उठा के पूछते हैं। और बिल्कुल देखिए, जब सर आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अचानक से आपको उठा दिया, आप हड़बड़ा गए और आप नहीं बता पाए, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। हम लोग से पूछे तो हम लोग भी नहीं बता पाते थे, चल हट, नहीं बता पाई बोल के बैठा देते थे। तब उस समय एकदम नहीं सर, बेइज्जती कर दिया, कभी ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो तो एक हड़बड़ाहट थी। पर क्या आप घर जाके एक बार रिवाइज करोगे तो आपको याद नहीं होगी वो चीजें? बिल्कुल होगी। सर का काम मुझे जो लगता था वो यही था कि आपको बार बार, जैसे मैं आपको क्या बोलूं कि आपके आंखों से गुजारना है उस चीजों को। सर क्या करते हैं, बार बार आपके कानों से गुजारते हैं, इससे खड़ा करके उसी चीज को पूछ रहे हैं, उससे खड़ा करके उसी चीज को पूछ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, आप बार बार क्या करते हैं, वो राजाओं के नाम जब चलते हैं उस समय का प्रोसेस देखिएगा। मतलब अभी आप पढ़ के देखिए, स्टार्टिंग में बिना किसी गाइडेंस के याद नहीं होगा आपको, लेकिन उस समय इससे भी पूछेंगे उससे भी पूछेंगे, वो पूरा सीरीज आपको याद हो जाएगा। उस समय भले आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे और आपको जब चीजें याद आनी होगी, तब उस समय आपको क्या याद आएगा, सामने पटेल सर बैठे हैं, हाँ वो मोरद ध्वज ताम्र ध्वज यही सब चीज चल रहा था, वो पूरी चीजें क्लियर होती। इवन जब आप वहां पे बैठते ना, आपको पेज नंबर, वो बुक का पेज, उस बुक में आपने हाईलाइटर यूज किया या पेन यूज किया, ये सब चीजें दिखती वहां पर। अगर आपने उसको बार बार अपने आंखों से अपने कानों से सुना उस चीज को, अगर आपको ना मन में पढ़ने से याद होता वैसा पढ़िए, बोल के पढ़ने से याद होता तो बोल के पढ़िए, कैसा भी करिए, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, मेहनत करनी है, याद होना चाहिए बस। तो ये चीज था थोड़ा सा प्री के लिए। मेंस के लिए जब गए थे तो तैयारी वही बोल रही हूँ कि प्री देखे आएंगे, एक थोड़ा सा दिन अपने आपको दीजिएगा कि थोड़ा सा मूवी देख लिए या कहीं कैसा भी गया हो आपका प्री का एग्जाम। आपको नहीं सोचना है कि मेरा अच्छा गया बुरा गया, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो अगले साल काम आएगा, अगर हो गया तो इसी समय के मेंस में मुझे आगे तैयारी करनी। तो आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, प्री दे क्या है, एक दिन थोड़ा सा रेस्ट कीजिए एक दो दिन, उसके बाद फिर आपको तुरंत मेंस के लिए क्या करना है, जुट जाना। मेंस के लिए जब जाते हैं तो आपका वो शीट जो आपने बनाई ना, वो शीट सब काम आती है प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। आप जब फर्स्ट पेपर जो है हमारा, तो फर्स्ट पेपर में क्या क्या चीजें पढ़नी है, तीन बुक तो आपको यही की पढ़नी, हिंदी के लिए तिवारी सर, छत्तीसगढ़ के लिए तिवारी सर, संस्कृत के लिए न्याय शर्मा की बुक आती है मैडम, जो हमको पढ़ाई है संस्कृत, तो वो मैडम का ही बुक है, तो वो आपको रहता है। इंग्लिश के लिए जो है तो आप 9th-10th की ग्रामर बुक है, वो आपको बनी जाएगा, आप नेट से भी बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, तो वो चीजें आपकी बनेगी। उसके बाद जब आप निबंध में आते हैं, तो निबंध के लिए आपको क्या प्रोसेस करना है, मैंने क्या बताया था, फोर्थ पार्ट क्या था हमारा, करंट अफेयर था। तो जब आप करंट अफेयर पे जाते हैं, तो करंट अफेयर उस समय से आपने तैयारी की है, तो उस समय के जो तथ्य हैं, उस समय के जो आंकड़े हैं, क्योंकि निबंध में चाहे निबंधात्मक प्रश्न में आपको जो चीज दूसरों के आंसर से डिफरेंट करेगा आपके आंसर को, वो क्या रहेगा, आपका करंट अफेयर। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे हम लोगों के समय एक क्या कौन सा हुआ था, हलछट जो त्योहार होता है, तो हलछट त्योहार आया था, तो उसी समय रावण के गोट भी चालू हुआ था, तो उसमें उन्होंने बधाई दी थी भाई हलछट त्योहार की, सभी लोगों को बधाई ऐसा वैसा करके बहुत सारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो अब देखिए डिफरेंट कैसा था, हलचट के बारे में हर कोई जानेगा, अभी मैं पूछूंगी तो बहुत लोग बता देंगे कि भाई इस तरीके की होती है, वहां पे माया अपने बच्चों के लिए रखती है, छह प्रकार की भाजी बनती है और ये सब होता है, पूरा सब चीज आप बता दोगे। लेकिन आपके आंसर को इफेक्टिव कब होगा, कि आप बोलेंगे कि हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रसारित रमन के गोट में भी उन्होंने इसका उल्लेख किया था, जो इसकी महत्ता को प्रतिपादित करता। अगर आपने एक लाइन या इसको और शॉर्ट करके या कुछ करके आपने लिख दिया, आपका आंसर दूसरे से डिफरेंट हुआ। मैंने क्या चीज ऐड की वहां पे, करंट अफेयर ऐड की, और कितना बड़ा था ये चीज रमन की, यही चीज है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को आप कैसे अपने आंसर में फिट करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर में आप क्या करते हैं उसको लिखते हैं। तो जब आप निबंध में आते हैं, निबंध की तैयारी कैसे करेंगे आप, जो मैंने किया वो बताती हूँ कि निबंध की तैयारी, मैंने कभी कोई निबंध की बुक हो या इसको पढ़ना उसको पढ़ना ऐसा नहीं किया मैंने तैयारी। मैंने निबंध की तैयारी ऐसे की है कि जो भी टॉपिक मुझे मिला, कि सर ने बोला कि ठीक है आप लोग चलो कल नक्सलवाद पे निबंध लिख के आना, 3 दिन का समय है, नक्सलवाद पे निबंध लिखो, मैंने रिटर्न कभी नहीं लिखा निबंध ऐसे।
एक बार लिखी सर को दिखाई, ठीक है वो चीज के लिए, बाकी उसके पास समय ही नहीं था हमारे पास क्योंकि मेंस की वो थी। तो फिर मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ सर्च किया, अगर आपको कहीं बुक में मिल गया, कहीं पर मिल गया, तो उन सभी को एक जगह लिखे, काट के मैंने पेपर कटिंग करके वो सब चीज को लिख लिया। मतलब आप हर एक चीज को सर्च कीजिए उस विषय से संबंधित। आपको कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं करना है कि ये नक्सलवाद को कैसे दूर किया जाए, तो मैं नक्सलवाद का परिचय पढ़ू, मैं नक्सलवाद का पढ़ू, जो मिले जितना इन्फॉर्मेशन मिले आपको कलेक्ट करना है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की बात कर रही हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। अब आपके पास इतना सारा मटेरियल है, वहां पर आ गया जो भी पॉइंट और जो उसने आंसर, जो टॉपिक में उसने जो सेंटेंस लिखा उस सेंटेंस को ही बस आपको जस्टिफाई करना। जैसे मैंने अभी निबंध लिखा था विमुद्रीकरण के ऊपर, विमुद्रीकरण बहुत हॉट टॉपिक था, हुआ था तो उस समय बहुत ज्यादा था और हमको पता था कि इस टॉपिक से आएगा ही बिल्कुल, तो इसको हमको प्रिपेयर करना है। तो हमारे में ऐसा कुछ था, विमुद्रीकरण संभावना एवं चुनौतियां। अब मेरे पास बहुत मटेरियल है, अब मैं उसको किस तरीके से लिखूंगी? तो सबसे पहला काम, जब आप बैठते हैं ना, तो आपको 10 से 15 मिनट थोड़ा सा देना है किस चीज के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के एग्जाम में आपको अपने आंसर के लिए स्ट्रक्चर बनाना, चाहे वो 2 नंबर का ही क्यों ना हो, चाहे वो 60 वाला जो है, 60 शब्द वाला वो क्यों ना हो, या फिर आपका निबंधात्मक ही क्यों ना हो। तो स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो सिंपल किस तरीके से, ऐसा ही बता रही हूँ कि हो सकता है बहुत लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मैंने किस तरीके से लिखा था कि स्ट्रक्चर फॉर्म में, कि भाई पहले विमुद्रीकरण क्या है, उसकी शुरुआत कब से हुई, इस तरीके से हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया। अब संभावनाएं और चुनौतियां बतानी, तो मैं उसमें ये नहीं लिखूंगी विमुद्रीकरण के क्या लाभ थे, क्या हानि थी, क्या मैं सोचती थी, फिर उसकी क्या संभावना होगी, क्या होगा, फिर उसके बाद उपसंहार। मैंने संभावना चुनौती क्या लिखी, सबसे पहले सोचा कि भाई कहां पर संभावनाएं हो सकती है, उससे संबंधित चुनौतियां क्या होंगी। तो अगर विमुद्रीकरण, अगर किसी राष्ट्र में इस तरीके की कोई भी प्रक्रिया हो रही है, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार को कवर करने की कोशिश की कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संभावनाएं, उसके लिए मैंने लिखा, फिर नीचे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चुनौतियां, ये मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर मैं आई उसमें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बाद अब हम किस में आएंगे, अपने राष्ट्र में। तो भारत में विमुद्रीकरण की संभावनाएं और उसकी चुनौतियां, उसके बाद हम किस में आ सकते हैं, राज्य पे। राज्य पे आने के बाद फिर हमारे पास क्या आता है, इकोनॉमिक्स। तो उसके 3 सेक्टर है, वो तीनों सेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये आर्थिक दृष्टि से हो गया, सामाजिक दृष्टि से हो गया। ऐसा मैंने उसको क्या किया, डिवाइड किया, और उस तरीके से मैंने हर क्षेत्र को कवर करने की कोशिश की कि हर क्षेत्र में क्या संभावनाएं होंगी और क्या उसकी चुनौतियां होंगी, और फिर आखिरी में मैंने उसको कॉन्क्लूड कर दिया। ये आंसर ज्यादा जस्टिफाई करेगा कि पहले वाला जो आपने स्ट्रक्चर देखा वो कौन सा, ये आपका, क्योंकि सामने वाले को दिख रहा है कि भाई इसने टॉपिक क्या लिखा है, विमुद्रीकरण संभावना और चुनौतियां, तो ये संभावना और चुनौती को लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे स्टूडेंट। तो आपके पास जो भी निबंध आता है उसके वर्ड्स को तोड़िए, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपको क्या करना है, वहां पे अच्छे से फिट करते हुए उसको पूरा स्ट्रक्चर बनाते हुए लिखना है। तो ये चीजें आपकी, आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है। और मेन कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारा निबंध नहीं फंसा, आप इतना पढ़ोगे, अभी बता रही हूँ मेंस के लिए 7 पेपर्स पढ़ते हैं। चलिए गणित को आप साइड कर दीजिए, विज्ञान में भी, लेकिन प्रौद्योगिकी और पर्यावरण है जो आपके निबंध में काम आ सकता है। तो इतने सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो कि किसी भी टॉपिक को लोक प्रशासन से रिलेट कीजिए, संविधान से रिलेट कीजिए, संविधान की प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, कर्तव्य, किसी से भी हर वर्ग की हर समस्या को आप संविधान से क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। वो चीज है दर्शन, समाजशास्त्र, आप इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं कि वहां पे आप लिख के ही आओगे। बस बेसिकली क्या, जो सेंटेंस लिखा है उसको आपको जस्टिफाई करना है, स्ट्रक्चर फॉर्म में क्या करना है, आपको उसको तैयारी करनी है और उसको उस तरीके से आपको वहां पे लिखना है। इसके बाद आप जब हिस्ट्री पे आते हैं, हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने इसको बहुत एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं आते थे, कभी भी 100 के ऊपर नहीं गया है। लेकिन फिर भी मैंने इस बार तुलनात्मक लोक प्रशासन लिखा था, लोक प्रशासन में ज्यादा मतलब सुविधाजनक था मेरे लिए उसको लिखना, तो मैंने फिर उसको लिखा। लेकिन उसमें भी ये चीज ध्यान रखें कि जो मेरी रणनीति का हिस्सा थी कि कोई भी क्वेश्चन आता है आपको छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन को अटेम्प्ट करना है, यानी आपको इतिहास, अगर आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं मेरे से भारत का इतिहास वाला क्वेश्चन ज्यादा अच्छा बनता है, छत्तीसगढ़ में नहीं बना पाऊंगी, तो आप मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्राथमिकता हमेशा छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन होने चाहिए, अगर आप बनाते हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, मतलब ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चंस अगर आपके पास है, कि आपके पास छत्तीसगढ़ के इतिहास का, भारत के इतिहास का या संविधान का कोई क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस पहले रखिए कि आपको जो टॉपिक बना है उसको आपको बनाना, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट की आप तैयारी वैसे कर सकते हैं। उसके बाद विज्ञान आता है, विज्ञान आपके 9th-10th लेवल का है, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण है, तो प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के लिए भी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पर्यावरण जो है बेसिक आपको मिल जाएंगे बुक्स में, फिर से उसको किस चीज से रिलेट करना पड़ेगा,
करंट अफेयर्स है, कौन सा जलवायु परिवर्तन पे सम्मेलन हो रहा है, वहां पे क्या बोला गया, वो कोटेशन याद रखिए। जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है या किसी भी तरीके का अपशिष्ट प्रबंधन है, तो उसमें आपके जिले में क्या चीज हो रहा है उसको भी तो आप ऐड कर सकते हो कि हमको अभी हरी बाल्टी नीली बाल्टी मिल रही है, क्यों मिल रही है। ये एकदम नॉर्मल चीजें हैं। अपने आसपास जो भी चीज आप देखते हैं वो सभी चीजों को आप ऐड कीजिए, बहुत अच्छे से अवलोकन कीजिए, और वही चीज को ऐड करके वही आपको डिफरेंट बताते हैं। कोई बेवकूफी नहीं है, ये आपके स्मार्टनेस को दिखा रहा है, और आप के आंसर को दूसरों से क्या बना रहा है, बेहतर बना रहा है, अलग बना रहा है। तो आप ये सब चीजें वहां पे कर सकते हैं विज्ञान को देखिए। बाकी तो वो पूरा क्या है आपका मतलब अच्छे से बनाने वाला है, उसे पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स है वो पूरा बुक वाला ही रहेगा। उसके बाद फिर आता है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बुक्स जो सर की थी, दीक्षित सर की, वो बुक्स भी पढ़ी है, साथ में बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की भी जो जो टॉपिक्स मुझे मिलते थे मैंने उसको भी पढ़ाई की। और उसके बाद जो मेरा था फर्स्ट के जो सेकंड चैप्टर है मनरेगा वाला, ये सब चीज वाला, तो देखिए इसमें इस बार मुझे क्या काम आया। मैं पहले 2014 में अकाउंट ऑफिसर सेलेक्ट हो गई थी। अकाउंट ऑफिसर का क्या होता है, ये कोई अकाउंटेंट नहीं है, ये अकाउंट ऑफिसर का काम है जो वित्त विभाग है, जो भी बजट आता है उन सभी चीजों को देखना कि जिस चीज के लिए बजट आया है वो चीज में ही उसका खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा है, और जो भी वित्तीय सलाह देना है अपने अधिकारियों को वो चीज देना है, ऑडिट करना है, ये सब चीजें काम होती है। तो इन सभी चीजों के लिए, इन सभी उत्तरदायित्व को निभाने के लिए क्या होता है, हमारी 2 साल की ट्रेनिंग होती है जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाके होती है। तो जब आप डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हम जाते हैं तो वहां पे हमारी ट्रेनिंग हुई, तो हमने योजनाओं को व्यवहारिक रूप में देखा। अभी तक हम योजनाओं को क्या देख रहे थे, बुक से देख रहे थे कि हाँ भाई ये योजना होती है, वेबसाइट से देख रहे हैं, लेकिन उन योजनाओं का क्रियान्वयन किस स्तर पर हो रहा है, उसमें नवाचार क्या है। अब देखिए जब हम गए थे मनरेगा की ट्रेनिंग में तो हमने देखा कि वहां पर किस तरीके से ऑनलाइन प्रोसेस हो रहा है, कैसे एक क्लिक में आप बता दोगे कि किस राज्य का बजट कितना है, वहां पे कितने लोगों को पैसे मिले, कितने लोगों को नहीं मिले, ये सब चीजें। और आया हमारे इस बार सिलेबस में मनरेगा 500 शब्द के लिए। तो जब मैं लिखी उस आंसर को तो मेरा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, क्योंकि मैं उसके व्यवहारिक चीजों को भी देखा है मैंने मनरेगा के, कि उस योजना के अंतर्गत जब संचालन किया जा रहा है, क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो क्या क्या चीजें वहां पे क्या होती थी नवाचार के रूप में हो रही है। तो इसने मुझे क्या किया, थोड़ा सा आंसर को क्या किया, डिफरेंट किया। तो ये सब चीजें थोड़ा सा योजना को, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, किसी भी प्रकार की प्रदर्शनी लगती है, राज्योत्सव होता है, या कोई भी प्रकार के किसी भी विभाग का किसी भी तरीके का ऐसा कार्यक्रम होता है, आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको ऐसे ऐसे सूचनाएं, ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी जो आपको बुक्स में नहीं मिलती है। आप बिल्कुल जाइए, क्योंकि कई बार आप देखते हैं, मान लीजिए मंदिर के बारे में आपको नहीं पता है, लेकिन आप राजीव लोचन मंदिर, अभी मान लीजिए राजीव कुंभ कल्प अभी होगा, आप वहां जाएंगे राजीव लोचन मंदिर को देखेंगे, थोड़ा बहुत सेल्फी ले लिया, ये कर लिया, लेकिन फिर भी आपने थोड़ा देखा कि भाई इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ऐसी मूर्तियां रखी थी, ये वाले भगवान थे। तो आप नहीं भी पढ़े रहेंगे, अगर आप वहां पे गए हैं तो वो चीजें क्या होगी, आपको आंसर लिखने में मदद करेगी, किसी को बताने में मदद करेगी, नहीं यार वहां पर तो हम लोग देखे हैं पानी है, पानी के बीच में कुलेश्वर जी का मंदिर है, हम लोग देखे हैं पेड़ है, ये है वो, ऐसे तो आप बताते हो ना, तो वैसे ही आपके दिमाग में बैठ जाती है। पर्यटन स्थल पे जाइए, देखिए, और आप घूमते हैं, फोटो लेते हैं, मजा करते कीजिए, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए वहां की चीजों को देखने का, वहां पे शिलालेख आपको दिखेंगे, उस चीजों को पढ़ने का। तो ये थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा एक्सरसाइज होता है, अभी मत जाएगा, अभी समय नहीं है उस चीज का, बाद के लिए बोल रही हूँ, कि जब आप प्री थोड़ा सा अच्छा जाए, बुरा जाए, जो भी जाएगा, आपको थोड़ा सा क्या करना, अपने माइंड को फ्रेश करना है, तो आसपास इस तरह का थोड़ा सा कीजिएगा, राज्योत्सव वगैरह में या प्रदर्शनी वगैरह में जाइए, वहां पर से मटेरियल इकट्ठा कीजिए, तो वो सब भी आपके बहुत काम आता है। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो आपका इकोनॉमिक्स वाला है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाला जो पोर्शन है, तो वो भूगोल कौन स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मैप मतलब आपको क्या करना है, फिर से छत्तीसगढ़ आ गया। मैं बार बार क्यों मैप और बार बार मैं पटेल सर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ कितना इंपॉर्टेंट रोल है छत्तीसगढ़ का आपके मेंस में। पहले पेपर में क्या है छत्तीसगढ़, भाषा, ठीक है, 50 मार्क्स के। सेकंड पेपर में क्या है छत्तीसगढ़ के ऊपर, निबंध है। थर्ड पेपर में क्या है छत्तीसगढ़ का इतिहास है। फोर्थ में जब आप जाते हैं, चलिए ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, उसमें कोई छत्तीसगढ़ नहीं, कोई भारत नहीं, कुछ भी। उसके बाद जब जाते हैं तो आपका जो इकोनॉमिक्स वाला है उसमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये तीनों में क्या है पूरा छत्तीसगढ़ की कृषि, उद्योग, जनसंख्या, भूगोल, ये सब चीजें हैं, है कि नहीं, ये सब चीजें। तो ये पूरा तीन पोर्शन। उसके बाद गणित है, गणित सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। आपको हर प्रकार के क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही कीजिए। मैथ्स के लिए 9-10 की NCERT है, 9-10 की SCERT जो हमारी यहाँ की है, राज्य सरकार की बुक है, वो कीजिए।
और आर एस अग्रवाल की बुक है, आर डी शर्मा की बुक से भी लोग प्रिपेयर करते हैं, तो उससे भी आप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स के लिए। अब लास्ट पेपर जो आता है, अभी आ रहे थे अभी जस्ट मिली जब मैं सर से, तो सर पूछ रहे थे कि तेरा नंबर किसमें किसमें सबसे अच्छा आएगा। किसी में बताया कि सर मेरा भाषा में अच्छा है, निबंध में अच्छा है, इकोनॉमिक्स में अच्छा है, मैथ्स में अच्छा, लास्ट पेपर में अच्छा था। सर बोले कि लास्ट पेपर में कैसे अच्छा है, मैं बोली नहीं सर मुझे पिछले 3 बार से लास्ट पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। बोलते जबकि लास्ट पेपर में बहुत कम होता है, क्योंकि वो पूरा प्योर थ्योरी है। आप उसमें भी देखिए, फर्स्ट क्या है उसमें दर्शन शास्त्र, दूसरा है समाज शास्त्र, तीसरा चौथा पांचवा फिर से क्या, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति, छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल, छत्तीसगढ़ के तीज पर्व, ये सब जितने वो सब पूरा उसमें क्या है आपका समावेश है। तो इसमें भी अगर आप चाहो तो आपके सामने अगर ऐसा विकल्प आता है, समाज शास्त्र का एक क्वेश्चन आया है और छत्तीसगढ़ की जनजाति या छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति से संबंधित कोई क्वेश्चन आया, तो आपकी प्राथमिकता किसको होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन को। तो ये चीज आपको और क्या करेगा, नंबर ज्यादा। क्यों मैं इस तरीके से बोल रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप समाज शास्त्र के लिए उतने अच्छे से ना सोच पाए उस आंसर के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ पूरा क्या है, पूरा इन्फॉर्मेशन आपके पास, पूरी इन्फॉर्मेशन है भाई कि ये जनजाति पाई जाती है, उनका ये काम है और ये उनकी संस्कृति है, तो उसको आप बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में ज्यादा स्टोर है, आपने उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ा है। तो प्राथमिकता छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चन को ही आप दीजिएगा। तो इस तरीके से आप पूरे 7 पेपर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उसमें चीज कर सकते हैं, और इतना पढ़ते ना तो भी आपका क्या होता है, आपका जो निबंध है वो अच्छे से तैयार होता है। तो निबंध को आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में देखना है वो चीज के लिए। और जब आप बैठते हैं 3 घंटा, तो मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है, स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए। आप में से सबके सब भी मेन से बैठोगे ना, सबके सबको सभी आंसर पता रहता है। मेरे साथ भी बहुत सारे थे, लेकिन उनका क्या हो जाता था, हमेशा छूट जाता था। क्यों छूट जाता है, क्योंकि उनकी स्पीड नहीं होती। देखिए हमारे दिमाग में चीजें आते जाती है, क्या मुझे अगली लाइन ये लिखनी है, ये लिखना है, ये लिखना है। मैं सब चीज लिख भी सकती हूँ, लेकिन मेरा हाथ भी उस स्पीड से चलना चाहिए। स्पीड की प्रैक्टिस कीजिए, बार बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। जब आप स्पीड में लिखते हैं, कोई मैटर नहीं करता कि आप बहुत सुंदर राइटिंग में लिख रहे हैं, थोड़ा सा बिगड़ती कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले जब आप 3 घंटा बैठे हैं, 3 घंटा जब आप बैठ गए, तो आपको क्या करना है, पेपर खोलिए, पेपर में जो 500 शब्द का क्वेश्चन है, सबसे बड़ा वाला जो निबंध आत्मक है 40 मार्क्स के होते हैं, उसको सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि आप एकदम फ्रेश होके गए हैं वहां पर, माइंड फ्रेश है, अच्छे से सोच सकते हैं उस जो भी विषय वहां पर आया उससे संबंधित। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, निबंधात्मक जो प्रश्न है उसे सॉल्व करना है। तो आप कैसे ध्यान देंगे कि शुरुआत का आधा घंटा 500 शब्द के लिए, ठीक है, तो उसमें आप 5 मिनट निकाल लीजिए कि भाई ये क्वेश्चन है, तो उसको मैं इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखूंगी या लिखूंगा। आपने आधा घंटा क्या दे दिया, 500 शब्द को। नेक्स्ट जो आधा घंटा है ये एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, अगर ये आधा घंटा का 3 मिनट भी एक्स्ट्रा हुआ ना, आपका पेपर छूट जाएगा। एकदम इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि नहीं अब हो गया है तो कुछ भी मेरे को शब्द वहां पे आखिरी पूरा खत्म करना ही है। मत सोचिए कि मेरा छूट जाएगा या कुछ जाएगा, एकदम ऐसे कि ये आधा घंटा कि मेरा 10 बजे का पेपर चालू हुआ है, तो 10:30 अगर मेरी घड़ी है, 10:30 में मुझे अगर 3 शब्द लिखना है, इतना स्पीड बढ़ा दीजिए कि वो 3 शब्द आपके एकदम आराम से आ जाए। तो ये आधा घंटा 500 शब्द, दूसरा आधा घंटा आपके 250 के 2 क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे 250 शब्द के, तो उसको दीजिए। अब देखिए जैसे जब मैं पढ़ाती थी, मैंने 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया भी, मुझे कुछ स्टूडेंट भी दिख रहे हैं अपने, तो उस समय जब मैं पढ़ाती थी तो मैं चेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या कर सकती हूँ, सोच सकती हूँ कि अगर मैंने ये आंसर में चेक कर, सबसे पहला पेज मैं पीछे से तो चालू नहीं करूंगी चेक करना भाई, क्योंकि मुझे भी साइन करना है चेक करने वाले को, तो वो मैं पहले की, तो पहला इंप्रेशन क्या है, लास्ट इंप्रेशन है, आपको क्या दिखना चाहिए, पहला पेज अच्छे से दिखना चाहिए, पहला पेज ही नहीं मतलब जो आप 2-3 पेज कर रहे हैं, तो फिर आपका क्या है इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पहले आपने 500 बनाए, 250 बनाए, फिर आपको किसका करना है, 2 मार्क्स वाले पे। ये आप क्यों कर रहे हैं, आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको आता है, या आपको ये करने के लिए कि जब चेक करने वाला मेरा आंसर शीट ओपन करे तो भी उसको सही शॉर्ट अच्छी राइटिंग में सही इन्फॉर्मेशन मिले, जब वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को चेक करे, क्योंकि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको समय नहीं लगेगा, एकदम फैक्चुअल रहते, एकदम बस आपको इन्फॉर्मेशन ही डालनी रहती कि ये क्या है, वो क्या है, इसकी 2 विशेषता बताइए, ये चीज कीजिए, मतलब आपको सीधा उसको लिखते जाना है। थोड़ा सा राइटिंग आपकी खराब होगी जब आप 60 शब्द और 100 शब्द वाले क्वेश्चन में जाते हैं तब, ठीक है। तो अब जब आप लिखने की प्रैक्टिस करते, देखिए एक क्वेश्चन आपसे शेयर करूंगी कि जैसे हम लोगों का क्वेश्चन आया कि रोजगार बढ़ाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, ऐसा एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो जब आपका क्वेश्चन ये चीज आया, ठीक है उधर,
सबके सब उधर देखे तो लगा कुछ हो गया क्या से। तो जब आपके पास क्वेश्चन आता है रोजगार से संबंधित कोई सुझाव बताइए। मतलब देखिए आपके पास 100 शब्द का है, आपके पास क्या है लाइन है 10। आप कहीं पर आपको पैराग्राफ वाइज लिखना है, कहीं पर आपको पॉइंट वाइज लिखना है, ये आपको जज करना है कि किस आंसर में आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो जब आप लिख रहे हैं चलिए मैं पैराग्राफ वाइज लिखती हूँ, तीन तीन तीन, एक लाइन मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर लेती हूँ उसके लिए। तीन तीन पैराग्राफ में आप कितने लिख पाएंगे, फिर भी आप अपने हिसाब से बताइए कि कितना आप लिख पाएंगे। पांच मान लो कि ये होना चाहिए, शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए, और स्टार्टअप स्टैंड अप जैसी योजनाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए, साथ ही ये करना चाहिए, फिर ऐसे आपके लिए चलिए आप मैक्सिमम 6 तक लिख लिए। लेकिन आपके पास अगर 10 लाइन है, आपके अंदर स्किल है कि आप एक लाइन का एक सेंटेंस बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप करना चाहिए है हो ये सब चीज लिख रहे हैं, सिर्फ ये चीज की रोजगार के लिए क्या चीज होना चाहिए, स्टार्टअप एंड स्टैंडअप जैसी योजनाओं को प्रोत्साहन, बस आपने इतना लिख दिया, एक लाइन में कंप्लीट हो गया। दूसरे लाइन में दूसरा लाइन, ऐसे में कितना लिख लेंगे आप सुझाव, 10 लाइन है चलिए एक लाइन में एक्स्ट्रा और ले लेते हैं, कहीं ऊपर नीचे 9 सुझाव आ जाएंगे, तो नंबर किसमें ज्यादा मिलेगा, पहले वाला? और जब आप ऐसे पॉइंट वाइज कुछ ऐसा लिखते हैं तो आपका जो चेक करने वाले उसके दिमाग में था हाँ ठीक 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 ठीक, क्योंकि मैंने चेक किया है पेपर, तो मैं उस मानसिकता को समझ सकती हूँ कि ये चीज होता है। मुझे नहीं पता कि वहां पर क्या होता है, लेकिन ये चीज क्या हो सकता है, सही हो सकता है कि एनालिसिस सही हो, तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से आपको देखना है कि कहाँ पे आप पॉइंट वाइज जा सकते हैं, कहाँ पे आप पैराग्राफ वाइज जा सकते हैं। तो ऐसा आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है पूरे 7 पेपर्स का, और साथ में फिर 100 शब्द और 60 शब्द का है, तो उसमें आपको यही एक्सपेरिमेंट करना। आप थ्योरी वाइज पॉइंट वाइज थोड़ा मिक्स करके 500 शब्दों को भी लिख सकते हैं, लेकिन 60 और 100 में कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम आप पॉइंट वाइज लिखें, अगर विशेषताएं अंतर या इस तरीके से चीजें आती। लेकिन अगर आपको कोई बोलता है कि ये सेंटेंस है इसको आप जस्टिफाई कीजिए, तो उसमें आप थ्योरी में जा सकते हैं, मतलब ऐसे पैराग्राफ वाइज लिख सकते हैं। तो वो तरीका आपको अपनाना चाहिए मेरे हिसाब से, मैंने जो रणनीति बनाई थी, मैंने जो तरीका अपनाया था वो था। तो जो बेस था, तो सब सर लोगों ने जो उस समय तराशा था वही था कि वो हीरा अभी चमक रहा है, क्योंकि उस समय हमको बहुत ज्यादा क्या मिली थी, बहुत ज्यादा मार्गदर्शन मिला था, बहुत ज्यादा डांट भी पड़ी थी, हम निराश भी हुए थे, हम सभी जितने बैच वाले, हमारी बैच में बहुत सारे लोगों का इस बार सिलेक्शन भी हुआ है, हम लोग लगे रहे भले कुछ भी हो जाए, अभी 21वां अगर मेरा 100वां रैंक भी आता, कुछ भी रैंक आता, निराश नहीं होने, थोड़ा दिन अगर निराश भी लगा थोड़े दिन शांत रखिए अपने आप को, और फिर उसको अच्छे से आपको आगे प्रिपेयर करना है। तो ये छोटा सा चीज था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया, तो ये मेरा पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, और कुछ याद आएगा बीच में तो आपसे शेयर करूंगी जरूर। अगर आप लोगों को कुछ अभी पूछना है, सर बोल के गए ना कि आपको बहुत अच्छे से पूछिए, बहुत अच्छे से कीजिए करके इधर साइड सब बोल के गए हैं, सर बोलते हैं कि मैं नहीं आऊंगा, मैं बोली नहीं सर आप आएंगे नहीं, नहीं मैं खड़े होगा तो तू बोलेगी नहीं, फिर तू मैं चला जाता हूँ करके चले गए सर, मैं उनको बोली कि नहीं सर आप रहिए ना करके, तो नहीं नहीं तू बात कर अच्छे से सब चीज कर, तो अभी सर भी नहीं तो आप लोग बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं अगर कुछ मन में है तो। मैक्सिमम चीजें तो मैंने कवर करने की कोशिश की। हाँ माइक क्वेश्चन सभी का समझ में आया ना सबको? हेलो, हाँ मैम, जैसे हम लोग प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं अभी, तो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हम लोग जब रिवाइज करते तो छूट जाते हैं, तो बार बार रिवीजन ज्यादा अच्छा होगा कि क्वेश्चन ज्यादा बनाए हम लोग ऑब्जेक्टिव्स? रिवीजन आपके पास अगर समय कम है तो रिवीजन करना ज्यादा बेहतर है, समय रहता है तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं कि पुराने जो ऑब्जेक्टिव है उसको सॉल्व कीजिए, पुराने पेपर्स को सॉल्व कर लीजिए, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। कई बार पीएससी थोड़ा अलग आंसर भी लेता है, उसको आपको घबराने की उस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से रिवीजन करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप बार बार रिवाइज करते हैं आपके, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते लेकिन टॉपिक रिपीट होते हैं। और छत्तीसगढ़ में बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ का जब आप सिलेबस जो लिखा हुआ है ना आपके प्री में, आप देखेंगे आपके पास जो सिलेबस है उस टॉपिक को गिनेगा, गिन के 50 टॉपिक है, हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, नदी से आएगा, यहाँ से आएगा, आपको पता है, तो आपको रिविजन करना, मेरे हिसाब से रिविजन करना ज्यादा बेहतर है। अभी सूझ नहीं रहे कि बहुत कुछ मिल गया है, ऐसा सोच रहे।
और कौन अच्छा है यहाँ? नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, ये पूछना था जैसे कि थोड़ा सा दूर रख के भेजे, जैसे कि मैम हम लोगों का पढ़ते पढ़ते मैम पढ़ते पढ़ते मैम कई बार क्या होता है कि जैसे मन जो है वो इधर उधर भटकता है। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, जो इंसान है उसके साथ ये होना निश्चित एकदम स्वाभाविक है, सही बात है। चलिए आगे। तो मैम उसको कंसंट्रेट करने के लिए मतलब किस तरह का अपने आप को ऐसा मोटिवेट किया जाए या फिर किस तरह से लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अपने आप को फोकस किया जाए मैम, ऐसा कुछ इसके लिए कुछ सुझाव? देखिए, ये मन भटकने का बहुत सारे रीजन होते हैं। कई बार क्या, कई लोगों को वाकई में दिक्कत होती है, किसी एक जगह पे अपने ध्यान को केंद्रित करने में दिक्कत होती है। कई बार क्या होता है, इंटरेस्ट की कमी भी होती है कि अपने को क्या होता है कि हम अगर कोई मूवी देख रहे हैं तो हम 3 घंटा एकदम कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे कि भाई कैसा गाना था, क्या था, क्योंकि हमको उसमें इंटरेस्ट रहता है। कई जगह क्या होता है कि हमने को इंटरेस्ट नहीं रहता है तो वहां पर आपका मन भटकता है। तो बेसिकली देखिए, मैं तो खुद योगा और मेडिटेशन में अच्छे से करती हूँ, वो चीज था। लेकिन मेडिटेशन की आप परिभाषा किस तरीके से बोलेंगे कि किसी चीज में ध्यान लगाना ही मेरे हिसाब से मेडिटेशन है। कि अगर आप पढ़ रहे हैं और आसपास क्या हो रहा आपको नहीं पता है तो वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन है। तो ये चीज के लिए आप खुद ही कर सकते हो चीज को, आपके आसपास के लोग या वो चीज नहीं कर सकते कि मुझे ये चीज करना है। सामने कुछ भी चीज होता ना, नहीं आप ना कहीं कहीं, मैंने क्या करके रखा था, मैंने बहुत जगह लिखा है कि डीसी डीसी अपने कमरे पे स्टडी टेबल पे, कहीं इधर उधर मन भटकता है ना, एक बार उसको देख देना, नहीं मुझे ये पोस्ट चाहिए भाई, मेरे बना भार नहीं, 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 नहीं करना है, ऐसा करके आप वो चीज हो जाएंगे। मेन अपने लक्ष्य को सामने इधर उधर रखिए, जो आपको भटके ना तो वो आपको सही मार्गदर्शन दे। उस तरीके से मन भटकना बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है कहने का मतलब कि आप इंसान है, वो स्वाभाविक है चीज का, लेकिन उस जो भटका हुआ है उस पर आपको नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो उसका एक ही चीज है कि आपका लक्ष्य सामने रहे, आसपास कहीं रहे तो वो चीज है। और जो मन भटकाए उन चीजों से दूर रहो, चाहे वो दोस्ती क्यों ना हो, कुछ दिन के लिए दूरी बना के रखो, क्योंकि जब डीसी बन जाओगे या आपकी मनचाही पोस्ट मिल जाएगी तो वही दोस्त बोलेगा ये मेरा दोस्त है करके, वो भटकाने में सबसे आगे रहता है वो, ये भी है। तो उस चीज को आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। आप ही हैं, मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, आपका लक्ष्य है सामने, ये राह है, इस राह पे जो सबसे बड़े बाधक है वो हम स्वयं हैं। अगर मैं ठान ली कि नहीं मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कितना भी डिस्टर्बेंस आएगा मैं अपने आप को संभालते हुए चलूंगी तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और अगर आपको आसपास की गतिविधियों से या किसी भी प्रकार से भटकाव हो रहा है, नियंत्रण करना चालू कर दीजिए खुद पे और उन लोगों से दूर रहना चालू कर दीजिए, जैसा भी जो भी चीज है उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। ठीक। और जी मैम, वो करेंट अफेयर्स के लिए कैसा टाइप की स्ट्रेटेजी मतलब अपनाना चाहिए? वो मैम हर बार नई चीज आ जाती है तो उसमें मैम याद नहीं हो पाता, वो पुरानी चीजें फिर से भूल जाते हैं फिर। देखिए, जैसे कि मान लीजिए, बैठ जाइए आराम से। करंट अफेयर के लिए आपको जैसे कोई भी आप मैगजीन पढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी मुस्कान टुडे की मैगजीन पढ़ रहे हैं, या आप दृष्टि पढ़ रहे हैं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं, विकास परक पढ़ रहे हैं, रोजगार नियोजन पढ़ रहे हैं, तो जब आप पढ़ते हैं उस समय भी आपको क्या करना है, की नोट्स बनाने हैं। की नोट्स जब आप बनाएंगे तो आपको पता है कि करंट अफेयर कहाँ तक आएगा। आपका 18 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, 14 फरवरी का आएगा क्या, 10 फरवरी का आएगा क्या? नहीं, हमको थोड़ा सा लगता है कि भाई पिछले 2 हफ्ते का जो एग्जाम डेट है उसके पिछले 2 हफ्ते के करंट अफेयर नहीं आएंगे। तो आप नोट्स बनाना चालू कर दीजिए और फिर से वही चीज करना चालू कीजिए। क्या करना है आपको, बार बार आंख के सामने से गुजारना है, एकदम कॉन्फिडेंट वाला जो आंसर है कि आपको एकदम मुंह में रहना चाहिए और आप दे सको, वो काम आती है आपके इंटरव्यू में। मैं अभी आपको इंटरव्यू के बारे में कुछ भी नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आपको किसके लिए बता रही हूँ, प्री और मेंस के लिए। प्री में आपके सामने क्या है, 4 ऑप्शन है। ऐसे होता है ना कि हम बहुत सी चीजें याद करते हैं लेकिन एक शब्द भूल जाते तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर गायब हो जाता है। लेकिन अगर हमको कोई वो एक शब्द याद दिला दे, चीटिंग करते तो कैसे करते कई लोग, अरे वो बता दे बस पहला वर्ड बता दे, तो पहला वर्ड जैसे ही बताया आपको पूरा स्टोरी याद आ जाती है। तो वैसे ही है, आप जब की वर्ड देख रहे हो, जब आपको ऑप्शन में वो शब्द दिख जाता है ना तो आपका ध्यान पूरा वहां पर चला जाएगा, वहां से पूरा आप लिखेंगे और एकदम कॉन्फिडेंस होकर उस पर टिक करेंगे। तो आपको पॉइंट पॉइंट वाइज लिखते जाना है और लिखने के बाद में जब आपके पास 2 हफ्ता 3 हफ्ता रहेगा तो उसको रिवाइज करना,
बार बार रिविजन करना है। लिखना कड़ी मेहनत का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि आपको घुटने टेक के पढ़ना है या अपने ऊपर एकदम आप ऐसा शोषण कर रहे हैं, अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कड़ी मेहनत का मतलब क्या है कि इस टाइप की एक्सरसाइज करनी है, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी, तो वो यही है कि आप उसको क्या करें, इस तरीके से एक्सरसाइज करके बार बार पॉइंट वाइज की नोट्स के रूप में, शॉर्ट नोट्स के रूप में क्या कर रहे हैं, उसको आप लिख रहे हैं। तो वो बाद में क्या होती है, बाद में लोग आखिरी टाइम में बनाते पढ़ते हैं, वो छोटी छोटी पत्ती पत्ती बुक लेके आके उसको पढ़े, वो सब चीजें काम नहीं आती। आपको उसी समय जो आपने नोट्स बनाए ना, वही रिवाइज करेंगे और वही चीजें आपको काम आएगी। तो आप इस तरीके से करंट अफेयर को कर सकते हैं। और किसकी, हाँ देखिए, मैंने अभी बताया छत्तीसगढ़ को एक महीना मैंने दिया चार चार दिन का। अब वो एक महीना कंप्रेस होके कितना हो गया, कितना हो जाएगा, वो एक एक हफ्ता करना है अब आपको। तो यही चीज है कि जब आप रिवाइज करते, देखिए आप खुद पढ़ने जाएंगे, पहली बार पढ़ेंगे आपको एक घंटा लगेगा, दूसरी बार पढ़ते तो कितना लगता है, क्योंकि जब आप पहली बार पढ़ते तो आप क्या कर लेते हैं कि जो मेन मेन पॉइंट्स या मेन मेन जो वर्ड है उस चीज को क्या किया, आपने अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइट कर दिया। और जब आप दूसरी बार पढ़ते तो उसी उसी वर्ड को देखते हो और आपको क्या हो जाता है, सेंटेंस आपके दिमाग में जाती, पूरी स्टोरी क्लियर हो जाती। थर्ड टाइम पढ़ते हो तो और शॉर्ट में हो जाता है। जब आप फोर्थ टाइम पढ़ते हो तो क्या हो जाती है, वही चीजें आपको याद आती है कि हाँ ये पॉइंट था, उसके बीच में ये वाक्य छुपा हुआ है, तो वो छुपा हुआ आपके दिमाग में कहीं ना कहीं उसमें रहता है। तो उस समय जो रहता है कि लास्ट लास्ट की तैयारी, आपको एकदम हवा टाइप की तैयारी नहीं करनी है, जो लास्ट लास्ट की रहती है। मतलब जैसे कि आप मान लीजिए 18 फरवरी को एग्जाम है, आपने फरवरी फर्स्ट फरवरी जैसे आई, तो अब ये जो 15 दिन का टाइम है वो है आपके रिविजन का टाइम। आप अभी तक भी रिवाइज करे थे, लेकिन जो आप रिवाइज करे थे उसको फिर से आपको क्या करना है, एक एक बार सबको पढ़ना है, पूरे सब्जेक्ट्स को एक बार पढ़ना है। दो बार पढ़ लिए बहुत अच्छी बात, वो आपकी क्वालिटी, लेकिन एक बार आप सब चीजों को क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। और छत्तीसगढ़ में बता रही हूँ या किसी भी, मतलब ये पीएससी का है, उसमें आपको पांडित्य दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना पढ़ रहे हो पूरा क्वालिटी से पढ़ना है, छत्तीसगढ़ को पूरा 100% करना है। तो इस तरीके से आपको करना है कि जो आप रिवाइज कर रहे हैं ना, तो आपने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया था उसको आप कंप्रेस कर दीजिए, एक हफ्ता है तो उसको एक हफ्ते को बांट दीजिए फोर पार्ट में, कि मैं छत्तीसगढ़ का भूगोल करूंगी, इसमें अर्थशास्त्र करूंगी छत्तीसगढ़ का, इसमें संस्कृति, तो वो रिविजन वाला टाइम हो जाएगा। क्योंकि आप चार जो हफ्ते में पढ़े हो उसको जब आप दोबारा तिबारा रिवाइज करोगे तो वो एक हफ्ते में हो जाता है, जब आप पूरा उसको देखते हैं पॉइंट्स बस देखते हैं, तो क्योंकि हाईलाइट किए हैं, अंडरलाइन किए हैं, तो वो पॉइंट्स आपको वहां पे दिखेगा। हाँ वो माइक आ रहा है। नमस्ते मैम, प्रीलिम्स का जो एग्जाम है और सीसेट एग्जाम जो देते हैं हम लोग, उसमें कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मैम, एग्जाम सीसेट के में? मैम दोनों में, मैम प्रीलिम्स के जो एग्जाम्स होते हैं, हाँ, उस दिन एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी मैम कैसे सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चंस? और देखिए इम्पोर्टेंट ये रहता है कि जो चीज आपको याद नहीं हो रही और आपने जिसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए, सुबह उठ के आप उस शॉर्ट नोट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए, मन शांत रखिए, वहां जाके बैठिए एक बार आपको पूरे। और एक चीज और, जो गलती होती है वहां हड़बड़ाहट में, वो जो बबल्स भरते हैं ना, चाहे मेंस के साथ प्री के, उस समय हड़बड़ाहट में बिल्कुल गलत सलत नहीं भरना है, वो बहुत इफेक्ट कर देगा आपके रिजल्ट को। अगर आपने बहुत अच्छा बना और आपकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गलत हो गई, कुछ हो गई, तो वो बहुत लोगों के साथ होता है। हम लोग के क्लास में तीन बार से दे रही हूँ, एक ना दो, किसी ना किसी लड़के लड़की का ये चीज होता है कि बताता है कि मैम मैं इस गोले की जगह इसमें भर दिया। वो चीज का आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा कि बबल्स आपके सही से होने चाहिए, शांत रहना जरूरी है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन ढूंढेंगे। जैसे ही आपको पेपर मिलता है आपको सबसे पहले क्या करना है, छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन ढूंढना है। छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देखिए कि कितना क्वेश्चन आपसे बना है, वहीं वहीं पे कैसे करना है। ये जो पेज है, एक पेज में चार क्वेश्चन रहते हैं, पहले उसको आप टिक कर लीजिए, उसके बगल में ओएमआर शीट रखिए, ओएमआर शीट में आपको क्या करना है, वो चार क्वेश्चन जो है उसको टिक करना है, उसको ढूंढिए उस स्लॉट को। ऐसा नहीं कि आप पहले उसमें टिक कर दिए ए बी सी डी, अब देख रहे हो कि 16 ए है फिर ये है, इसमें आपको गलत भरा जाएगा। एकदम स्लॉट में रखिए कि ये चार क्वेश्चन बनाए मैंने, हाँ चार, एक का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड ये है, थर्ड ये, फोर्थ है। फिर पेज पलटिए, आराम से शांत रहिए, फिर उसको आप देखिए इस तरीके से स्लॉट में धीरे धीरे आपको बबल्स को भरना। छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन बन जाएंगे, देखिए कितना बना है, उसके बाद फिर अब आपको क्या करना है, दूसरे सब्जेक्ट्स को शुरू करना है, उसको बनाना। अब फिर भी अगर आपको कहीं पर पहले जितना कॉन्फिडेंस है जिसमें 100% उसको पहले बनाइए, और फिर आपको थोड़ा बहुत लगता है थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, लेकिन इस बार की जो पीएससी होने वाली उसमें रिस्क आप जितना एकदम लेना थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गलत हुआ, क्योंकि सीसेट आपके पास नहीं है, तो रिस्क नहीं लीजिएगा, सही बनाइएगा। लोग बहुत क्वेश्चन बनाते हैं लेकिन गलत क्वेश्चन, निगेटिव मार्किंग के कारण क्या हो जाते हैं, उनके नंबर कम हो जाते हैं।
मैंने जो पहले टाइम में प्री निकला था, मैंने बहुत कम क्वेश्चन बनाया था लेकिन मैंने सही बनाया था, इसीलिए मेरा प्री निकल गया। और लोग मुझसे ज्यादा क्वेश्चन बनाए थे लेकिन निगेटिव मार्किंग में उनके मार्क्स क्या हो गए, कम हो गए। तो आपको निगेटिव मार्किंग में जाए पहले जो कॉन्फिडेंस जिसमें आपका 100% है, पहले उस क्वेश्चन को आप बनाइए, उसके बाद फिर दूसरे जो सब्जेक्ट है उसमें जाइए। सी सेट में जिनके भाषा बहुत अच्छी, मतलब हिंदी और छत्तीसगढ़ी को जो अटेम्प्ट कर सकता है, बिल्कुल पहले मैं सबसे पहले वही बनाती थी, वो पेपर के लास्ट में देता था मैं, पहले लास्ट पेपर पेज खोलती थी उसमें छत्तीसगढ़ और हिंदी सब चीज दिया रहता था, तो उसको पहले बनाती थी। उसके बाद गणित, जो गणित का है या कुछ ऐसे तार्किक विश्लेषण वाले आते हैं ना, तो उसको आप कर सकते हो, वो घड़ी वगैरह के वाले में सब चीज के, तो सब प्रैक्टिस करवाते हैं आपको अभिजीत से, तो उससे आधारित जो भी आपको बनाना है वो चीज आप कर सकते हैं। तो पहले आपको छत्तीसगढ़ को बनाना है, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट को बनाना है, क्योंकि अब एनालिसिस करने वाला या नंबरिंग वाला वो सिर्फ यही पोर्शन है, क्योंकि सेकेंड पेपर में आप पास हो ही जाओगे, आपके पास इतने अच्छे मैटर रहेंगे, मटेरियल रहेंगे, इतना अच्छा आपके पास नॉलेज रहेगा कि आप उसमें आराम से निकाल लोगे। लेकिन अब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, आपका जो फर्स्ट पेपर है वो। मैम जी, मैम ये जो छत्तीसगढ़ डेटा मिलता है वो लेटेस्ट ही याद रखना जरूरी है कि हम पिछले बहुत सारे ईयर का अब ये ना देखिए, मैं बोल रही हूँ ना कि आपको 35 क्वेश्चंस है एटलीस्ट बनाने हैं, तो 35 मैं उसको 40-45 भी इस तरीके से बोल सकती हूँ। 35 ये कि 35 आप बोल सकते हो कि आंसर सही लेता है, कई बार आंसर्स को कुछ अलग टाइप का ले लेता है, और कई बार क्या होता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि समझ में नहीं आता, इस बुक में अलग आंसर है, उस बुक में अलग आंसर है, किसको हम पढ़े ये चीज भी होता है। तो वो थोड़ा सा आपको मार्जिन लेके चलना है कि इतने क्वेश्चन हमारे थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं वो चीज का। तो डेटा जो है आपको आर्थिक सर्वेक्षण सुने, इकोनॉमिक सर्वे जनवरी फरवरी में जो रिलीज होता है उसको आप कीजिए, तो आप हर साल जब पढ़ते हैं उसमें, क्योंकि उसमें आपको योजनाएं भी अच्छी मिलेगी, डेटा चाहे वो प्रति व्यक्ति आए हो, क्योंकि जब आंसर सही लेना होता है तो वो उसी को ही आधार मानते हैं कि भाई आर्थिक सर्वेक्षण में बेरोजगारी की दर कितनी दी हुई है, या आर्थिक सर्वेक्षण में कितनी गरीबी छत्तीसगढ़ में, या जनजाति का प्रतिशत हो चाहे कुछ भी चीज हो, तो आपको उसको थोड़ा सा पढ़ना है। अब जैसे आप अभी तैयार कर लिए, फिर अगली बार पीएससी के लिए मान लीजिए अगर तैयार करते हैं तो फिर वो दूसरा वाला करेंगे, तो वो चीज आप डेटा को ले सकते हैं। लेकिन मेरी ये रहता था कि बहुत, जैसे देख लीजिए वन वाला है, साल सागौन वृक्ष का अवर्गीकृत वन है, ये सब का प्रतिशत तो क्या है आपका, फिक्स है, मतलब लगभग, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते तो आप बिल्कुल तैयार कीजिए। लेकिन अगर कुछ नया टाइप क्या है और आपको अपने आंकड़ा पढ़ा है और उसके अलग कोई आंकड़ा दिख रहा है ऑप्शन में, उसको मत छुइएगा, मत कीजिएगा उसको, कुछ दूसरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़े बहुत कम भी हो जाते हैं तो आपने दूसरे सब्जेक्ट की भी पढ़ाई की है, तैयारी की है, करंट अफेयर की भी तैयारी की है, तो वो चीजें क्या होती है आपकी वहां पे कवर हो जाती है। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं आंकड़ों के लिए, आंकड़ों के पीछे एकदम भागने की जरूरत नहीं है, आंकड़े याद करने के लिए शीट वाला प्रोसेस कर सकते हो, लेकिन अगर आपने पढ़ा है किसी बुक में और उससे संबंधित आंकड़े वहां पर नहीं है मत छुइएगा, क्योंकि आंकड़े से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन वो क्या हो जाते हैं बाद में विलोपित हो जाते हैं, तो वो फिर आपको इफेक्ट करता है ना आपके उसमें कट ऑफ को। और मैम इवनिंग मैम, इधर इधर, अच्छा ओके मैम, ये जो अपना आर्थिक संरक्षण वाला जो पार्ट है इसको अपन प्रिसाइज कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, मतलब देखिए मैम क्योंकि इसमें डेटा तो बहुत सारे रहते हैं, कंफ्यूजिंग रहते हैं बहुत। आर्थिक सर्वेक्षण है वो हम जैसे अकाउंट ऑफिसर जो है ना हम लोगों के लिए है कि भाई आपको देखना है कि पूरे वर्ष भर क्या स्थिति थी, किस विभाग में क्या जानकारी थी, ये सब चीजें वाकई में वहाँ बहुत सारी तालिकाएं दिखेगी, आपका सर चकरा जाएगा कि कैसा है। आप आर्थिक सर्वेक्षण में जो प्रति व्यक्ति आय वाला जो पहला पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से कीजिए, प्रति व्यक्ति वाला जो और जो क्या एक और सकल आय या सकल घरेलू उत्पाद है वो वाले पोर्शन को बस आप देखिए। साथ में जब आप सामाजिक क्षेत्र में जाते हैं, सामाजिक क्षेत्र वाला अभी के जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें 16 भाग है, तो उसमें जब आप जाते हैं तो आपको इम्पोर्टेंट क्या क्या चीजें लगती है कि क्या क्या चीजें आ सकती है। उद्योग आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन बुक से, ठीक है, लेकिन अगर आपको देखना है कि खनिज का उत्पादन कितना हुआ है, हमारा छत्तीसगढ़ किस खनिज के उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान रखता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वहां पर देखना पड़ेगा कि आर्थिक सर्वेक्षण में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में अब वो पिछले 2-3 साल का भी बता रहा है कि भाई पिछले इस साल में दूसरे स्थान पे था, अब वो पहले स्थान पर आ गया, इस तरीके से वो बता रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा वहां पे कहना, पूरा तालिका वगैरह कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप हर एक जो चैप्टर है उसको आप ओपन करेंगे ना, आपको स्टार्टिंग में कुछ कुछ योजनाएं दिखेगी, योजनाओं को पढ़िए कि योजनाओं का जो लाभान्वित वर्ग है उसकी सीमा क्या है, कितने पैसे मिलते हैं, या ये की योजना है किसके लिए, महिलाओं के लिए है कि बच्चों के लिए है कि निशक्त जनों के लिए है कि कृषक के लिए है, तो ये सब चीजें आपको क्या करनी है वहां पर देखनी है।
पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन सभी चैप्टर के फर्स्ट टू पेजेस इंपॉर्टेंट है, इतना मान के चलिए। और कई कई में फर्स्ट टू में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर वगैरह देगा, उसको देखने की जरूरत नहीं, बार चार्ट दे रहा है, इस टाइप को कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन देखिए जो थ्योरी जैसा लिखा होगा, तालिका वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है, वो फिर आपको कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाएगा उसमें कि इसको मैं कैसे याद करूं या कैसे करूं करके। वो सिर्फ ऑथेंटिकेशन के लिए कि वो भाई लोग लेते हैं आंसर उसमें से। पेपर प्रिंट में याद है मोस्टली, बहुत सारे क्वेश्चन फुट में होते हैं, हमसे लगते नहीं मतलब फुट जाते हैं, तो उसके लिए कैसे कैप्चर करना चाहिए? किस में होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में। नहीं नहीं नहीं, आप बोले कि प्री में? प्री में हाँ, फुट में होते हैं। अच्छा, तो उसी से तो छूट जाते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जब सर आपको पढ़ाते हैं ना, उसको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छे से आपको सुनना है कि सर क्या बोल रहे हैं। क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, अभी भी मैं कोई चीज पढ़ती हूँ ना, मुझे सर पूरे से दिखते हैं कि सर ने ये चीज बताई थी, मौलिक अधिकार ये बताया था, राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था वो सर ने इस तरीके से बताया करके। तो अगेन मैंने एक और काम किया था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, फिर से शीट में जो चीज की हूँ वो चीज आपसे शेयर कर रही हूँ। शीट में मैंने क्या लिखा था, अनुच्छेद भाग, कि भाग एक में अनुच्छेद इतना से इतना क्या है, उसको भी मैं जनगणना के साथ क्या करती थी, रिवाइज करती थी। क्योंकि अगर आपको अनुच्छेद याद होंगे तो वो आपके निबंध में भी काम आएंगे, और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी लिखने के लिए आता है मेंस में संविधान से संबंधित, तो वहां पर भी आपकी स्ट्रेटेजी काम आएगी। और प्री में अगर अनुच्छेद पूछा कि भाई ये कई बार क्या करता है, उल्टा पूछता है कि ये वाला जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में, तो वो चीज आपको करनी है। कई बार क्या होता है, एक दो क्वेश्चंस में वो विलोपित कर देता है कि उसका थोड़ा वहां पे क्या बोलते हैं, दो अर्थी आ जाता है या कुछ तरीके से आ जाता है, तो वो थोड़ा सा उसको विलोपित कर देता है। तो कूट वाला जब आपका तभी होगा जब आप उसको बहुत अच्छे से स्टडी करोगे। यहाँ पर होता है सीमित यहीं पर नहीं हो जाना है, क्योंकि सर आपको डायरेक्शन देते हैं। इतने सारे लोग आप लोग बैठे, मैं बार बार बोल रही हूँ कि उसमें से कुछ ही लोग सफल क्यों होते हैं, क्योंकि सर लोगों ने जो आपको डायरेक्शन दिया है, चलना आपको भी है, आपको भी अपना क्या देना पड़ेगा। सर लोग बताते कि भाई ये चीज कीजिए, ये चीज मत कीजिए, आप बिल्कुल वैसा ही फॉलो कीजिए और आप बिल्कुल आगे सफलता भी पाएंगे। लेकिन सर ने कहा कि ये कीजिए तो करना है। कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ सीमित ज्ञान ले लिया कि क्लास में जो चीज आपने पढ़ी वो तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसी को बेस बना के फिर आपको क्या करना है, उसको आगे और भी चीजें पढ़नी उसी से संबंधित, दूसरे बुक से भी, दूसरे जो भी आपके वेबसाइट्स हैं या आपके इंटरनेट पे कुछ अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो उससे आपको पढ़ना है। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप रिवाइज करोगे, जितना आप चीज करोगे ना, उतना आपका फुट जो आपका है कि एक दो तीन है कि दो तीन चार है, इस तरीके से, तो वो चीजें क्लियर होगी। एकदम ध्यान से पढ़ना है कि बोलता क्या है। कई बार ना और क्या होता है, देखिए नहीं है और है, ये दो शब्द में जब हम क्या होते हैं कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, हमको लगता है कि ये तो पढ़े थे कल ही, आज सुबह ही मैं इसको रीड क्यों, अभी क्वेश्चन पेपर जैसे मैं आ रही थी अंदर क्लासरूम के, मैंने बाहर देखा अपनी सहेली के साथ देखा, ये आया है पक्का पक्का ये है। अब इसमें से बोल रहे हैं कि इसमें से महानदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, अरे महानदी की सहायक नदी मैं तो पूरा पढ़ी हूँ, जो है उसी में टिक मार कर गया। पूछा क्या उसने छत्तीसगढ़ की नहीं है, तो नहीं है और है में ये डिफरेंस आपको देखना है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, प्री हो या मेंस हो, कि वो पूछ क्या रहा है, उसी हिसाब से आप लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। तो क्वेश्चंस को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। आपने जो पढ़ा है वो आ गया है तो एकदम कॉन्फिडेंस और एकदम खुशी के मारे ऐसा गदगद नहीं होना है कि आपका वो गलत हो जाए। क्योंकि देखिए जो नहीं बनता ना, जो आपने नहीं पढ़ा है वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको कुछ फील नहीं होगा कि नहीं ठीक है यार मुझे पता ही नहीं था, मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं था तो मुझसे क्वेश्चन नहीं बना। लेकिन जब क्वेश्चन बनता है और इस टाइप की सिल्ली मिस्टेक के कारण आपको क्या हो जाता है, वो क्वेश्चन गलत होता है, एकदम लगता है काश वो क्वेश्चन मैं सही की रहती तो मेरा कट ऑफ निकल जाता या मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते, तब अपने आपको बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिए, वही चीज बोल रही कि जितना आपने पढ़ा है सही पढ़िए, सही उसको करके आइए। जो नहीं आता वो नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आता है उसको तो आपको बनाना ही बनाना। हो गया लग रहा है, चलिए आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत हद तक मतलब एक बेस जैसा बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ साल पहले मतलब 2015 में मैं भी उस पार थी, इस पार आने का जो सुख है, जो गर्व है, जो फीलिंग है, वो आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद उस चीज पे रहेंगे। किसी के बताने से वो चीज समझ में नहीं आएगी। इस बार जब रिजल्ट निकला, रात भर सोई नहीं हूं मैं, टकटकी लगी थी मतलब मैं सही में बनी हूँ कि नहीं बनी। एक दिन पूरा लगा मुझे विश्वास करने पे कि मैं जो चाहती थी जिस पोस्ट को, वो पोस्ट मुझे मिल गई।
बहुत अच्छे से, इतने फोन कॉल्स, इतने इंटरव्यूज, ये वो, दुनिया भर की बहुत सारी चीजें चली, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है कि आपसे जिन लोगों ने उम्मीद लगाई थी उनकी आंखों में अपने लिए गर्व देखना, अपने माता पिता की आंखों में, मतलब उस दिन ऐसा लगता है कि आज मेरे मम्मी पापा की आंखों में आंसू होने चाहिए, गर्व के आंसू, खुशी के आंसू। तो वो चीज जब आप देखते हो ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है। मैं इतना खुश होके इतना उसे आपसे क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि उस चीज को मैं फील कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लोगों से बात करने में, लोगों से मिलने में, लोगों से इस चीज करने में मुझे अलग सा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि नहीं अब जो भी चीज मुझे मिलेगी आगे, जो भी भूमिका है, जो भी कर्तव्य मिलेगा, उसको मुझे बहुत अच्छे से करना है। जब कभी भी असफल होते एक चीज ध्यान रखिएगा, दो लाइन में आप लोगों के लिए बोलना चाहूंगी, और सबको पहले तो शुभकामनाएं कि आप अच्छे से आगे कीजिए अपनी स्ट्रेटेजी बना के, और ये चीज ध्यान रखेगा कि धैर्य भवन में टिके रहना, प्रयास निरंतर करते रहना, क्योंकि सिर्फ इतना ही पाना मेरा लक्ष्य नहीं, मुझे जाना है उस सीमा तक जिसके आगे कोई राह नहीं। आप लोग बिल्कुल तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से करेंगे, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। ये नहीं है अगली बार सही, अगली बार नहीं तो अगली बार, ढीठ बनिए, जिद्दी बनिए, अपनी जिद को आगे लेके जाना, अपना जो जिद्दीपन है ना उसको इस डायरेक्शन में लेके जाना, अपनी पूरी ऊर्जा को झोंक देनी है। बनोगे आप लोग, बिल्कुल बनोगे। हो सकता है कि आज यहाँ पे मैं हूँ, कल के डेट में आप लोग यहाँ पे रहेंगे और ऐसे ही बोलते रहेंगे, याद कीजिएगा उस समय मेरी बात। थैंक यू।